Hi everyone, in anthropology lecture series for paper 1, today we'll be discussing topic 2.1. So let's begin. So first of all, is slide me see what we are going to study in this particular lecture. सो इस लेक्चर के अंदर आपके जो सिलेबस के डायरेक्टली मेंशन पॉइंट है दैट इज कल्चर सिविलाइजेशन इथ्नोसेंट्रिज्म एंड कल्चरल रिलेटिविज्म बट ये जो टॉपिक्स है बस इन तक सीमित के पढ़ना इज नॉट एन फॉर द एग्जाम एज पर देंजिंग यू पी एस सी पैटर्न इफ यू ऑब्जर्व द प्रीवियस ईयर और दिस ईयर क्वेश्चन पेपर mean like 2020 ट्वेंटी ट्वेंटी का क्वेश्चन पेपर इफ यूल सी यूल फाइंड के जो टॉपिक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं दे आर नॉट डायरेक्टली मैंशन इन द सलेबस बट हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम इट ठीक है सो वॉट आई हैव ट्राई टू डू इज़ कि कल्चर uh, के अंदर भी बहुत सारे जो डायमेंशंस हमने कवर करने हैं एज पर द सिलेबस उसको तो कवर किया ही है एंड उससे अलग हट के देर आर लाइक एट वैल्यू एडिशन जो हम कल्चर के अंदर कवर करेंगे जो कि कल्चर से कही कहीं ना कहीं रिलेटेड है एंड इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम ऑल्सो सिविलाइजेशन के अंदर भी हम ऐसे ही करेंगे देन इथनोसेंट्रिज्म कल्चरल रिलेटिविज़म को भी हम इसी तरीके से पढ़ेंगे ऑल राइट सो ये लेक्चर विल बी लाइक अब बिट लॉन्गर बट आई कैन अश्योर यू दैट इज़ वर्थ ऑफ यूर टाइम ऑल राइट सो लेट्स स्टार्ट सो लेट स्टार्ट विथ कल्चर फर्स्ट कल्चर की अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आपके दिमाग में क्या आता है सो बेसिकली कल्चर और कुछ नहीं इट्स अ सेट ऑफ बिलीफ एंड वैल्यू सिस्टम जो एक इंडिविजुअल को सोसाइटी से मिलती है इट्स एज सिम्पल एज इट इज़ राइट सो so, कल्चर की जो डेफिनेशन है आपको सिंपली एक डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए दैट इज जेनरिक वन और अगर यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को ने कल्चर को बेसिकली आर्ट के टर्म्स में ज़्यादा डिफाइन किया है लेकिन अगर आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें बिकॉज वट वी आर स्टार्टिंग राइट नाउ इज़ पार्ट ऑफ सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी ठीक है तो आपका जो एंथ्रोपोलॉजी का पर्स्पेक्टिव uh, है दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट टू यू राइट सो एंथ्रोपोलॉजिकल परस्पेक्टिव से ये जो कल्चर है दैट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इन टू वेज एक मटीरियलिस्टिक कल्चर एंड दूसरा नॉन मटीरियलिस्टिक मटीरियल से आई मीन टू से लाइक सम काइंड ऑफ एन आर्ट वर्क दैट यू कैन यू नो टच एंड सी एंड फील लाइक like, आपके कुछ क्लपचर्स हो गए पेंटिंग्स हो गए दीज आर लाइक ऑल फार्म ऑफ मटीरियल कल्चर राइट और नॉन मटीरियल कल्चर की बात करें दे आर ऑफकोर्स दैट ऑफ बिलीफ सिस्टम वैल्यू सिस्टम मोरल्स दीज आर ऑल पार्ट ऑफ इवन कस्टम्स दीज आर ऑल पार्ट ऑफ नॉन मटीरियल कल्चर और राइट सो अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं उसको देखने से पहले दे एज अ वन लाइनर दट यू कैन यू नो कोट अबाउट कल्चर इज़ लाइक कल्चर इज अ सोशल हेरिटेज दैट इज गिफ्ट ऑफ सोसाइटी टू इंडिविजुअल दिस सम्स द इंटायर कल्चर वाला थिंग राइट right? अगर कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट की हम बात करें और थिंकर्स की बात करें लाइक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो गए या सोशलॉजिस्ट हो गए थिंकर्स हो गए तो हम इनकी बात करें तो इनकी डेफिनेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट वाई यू आर राइटिंग आंसर इन द एग्जामिनेशन हॉल राइट तो कुछ uh, जो थिंकर्स हैं उन्होंने जो कल्चर को डिफाइन किया है दे हैव टेकन अ वेरी हॉलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है जिसमें उन्होंने कल्चर में मटीरियल या नॉन मटीरियल ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करके एक हॉलिस्टिक चीज़ के तौर पर डिफाइन किया है बट देयर आर सम सोशोलॉजिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड थिंकर्स जिन्होंने एक नॉन मटीरियल तक अपने आप को स्टिक रखा है मतलब वो कल्चर को कल्चर में मटीरियल पार्ट को इंक्लूड नहीं करते हुए नॉन मटीरियल चीज़ों को ज़्यादा फोकस करते हैं ठीक है सो दिस इज़ अ सर्टन एंड नैर डिफरेंस बिटवीन की कैसे कल्चर को अलग अलग uh, लोगों ने डिफाइन किया है ठीक है सो दे आर आर लाइक वेरियस अदर थिंकर्स तो आप चाहे तो और भी इंक्लूड कर सकते हैं बट आई हैव इंक्लूडेड फ्यू ऑफ दैम दोज आर लाइक प्रोमिनंट नेम दैट यू शुड राइट ठीक है जिसमें से टेलर मेलनोवास्की एंड ऑफकोर्स मजूमदार मजूमदार वॉज एन इंडियन आंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हम पेपर uh, टू में कवर करेंगे इनके बारे में डिटेल में सो इन इन्होंने क्या डेफिनेशनस दिए थे इफ यू राइट दोज डेफिनेशन दैट विल वर्क वंडर्स फॉर यू ठीक है तो हम देख लेते हैं एक आठ डेफिनेशन लाइक टेलर ने कल्चर को डिफाइन किया था एज अ कॉम्प्लेक्स होल दैट इंक्लूड नॉलेज बिलीफ आर्ट मोरल लॉ कस्टम एंड एनी अदर केपेबिलिटीज़ अक्वायड बाय द मैन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी यानी कि जो टेलर का पॉइंट ऑफ व्यू था दैट वॉज अ वेरी होलिस्टिक वन ठीक है सो इसी तरह से आप अलग अलग जितने भी डेफिनेशन है इफ़ यूल सी तो आप यहाँ पे थोड़ा सा वो जो नैरो वाला डिफरेंस हमने बात किया है वो देखेंगे ठीक है एंड आई होप आप इसको uh, एक बार देख के एंड यू कैन इंटरप्रिटेट ऑन योर ओन ऑल्सो राइट अब यहाँ पे हैव इंक्लूडेड दिस पर्टिकुलर चार्ट टू टेल यू की कल्चर और पर्सनैलिटी जब हम बात करते हैं कल्चर से आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है राइट सो देयर्स अ वेरी स्लाइट डिफरेंस दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एक ह्यूमन नेचर होता है ह्यूमन नेचर दैट इज लाइक यूनिवर्सल नेचर होता है एक आदमी है तो वो इंसानों की तरह हम बोलते हैं ना इंसानों की तरह बिहेव किया करो सो दैट मीन्स देयर मस्ट भी सर्टन काइंड ऑफ ट्रेट्स दैट अूमन बींग शुड हैव ठीक है जैसे वो दो पाँव पर चलने वाला होगा या वो खाना हाथों से खाता होगा पाँव से नहीं खाता होगा मतलब लाइक वाइज सो अगर आप देखेंगे कि हमें प्रमेट से क्या डिफरेंट बनाता है सो देर आर सर्च कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक्स अस डिफरेंट एंड दो कैरेक्टरिस्टिक्स आर यूनिवर्सल तो वो ह्यूमन नेचर हो गया और ह्यूमन नेचर हम कैसे एक्वायर करते हैं एक बच्चा जब छोटा होता है तो उसे बताया जाता है कि आपको दो रूपाओं पे चलना है आपको राइट हैंड से खाना खाना है आपको किसी के साथ कैसे बिहेव करना है ठीक है ये सारी चीज़ें तो बताई जाती है तो दैट आर ऑल इनहेरिटेड और कुछ कुछ चीज़ें आपको बताने की भी जरूरत नहीं है बच्चों को वो सीख भी जाता है अपने आप से ठीक है और जो कल्चर होता है दैट इज़ लर्न वट वी आर सींग कि कल्चर लर्न किया जाता है ऐसा नहीं है कि कल्चर आप इन्हेरिट uh, कर लेते हो कल्चर आप धीरे धीरे सीखते हो ठीक है और जो कल्चर होती है वो सोसाइटी स्पेसिफिक भी होती है फॉर एग्जाम्पल इंडिया में ही अगर आप देखेंगे तो देयर एग्जिस्ट वेरियस अदर फॉर्म्स ऑफ कल्चर आप अगर सदन पार्ट ऑफ इंडिया में जाएंगे यू विल सी सम डिफरेंट काइंड ऑफ एंड कल्चर रिलेटेड टू लाइक एनी ऑफ द थिंग्स आपके सोशल कस्टम्स अलग होते हैं वहाँ पे और uh, लोगों का uh, जीने का तरीका काफ़ी डिफरेंट होता है ठीक है उसी तरह से आप नॉर्थ इंडिया में जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो आपको काफ़ी अलग अलग कल्चर्स देखने को मिलेंगे ठीक है तो कल्चर एक ग्रुप स्पेसिफिक होता है और जो पर्सनैलिटी होती है पर्सनैलिटी आपकी इनहेरिट भी की जाती है और लर्न भी की जाती है ऐसा नहीं है कि आज के डेट में कोई एक रस्टिक बिहेवियर रखता है तो वो अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव नहीं कर सकता एज यू माइट हैव सीन देर आर लाइक वेरियस एट्स दैट सेज कि वी आर वर्किंग फॉर द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट दैट मीन्स पर्सनैलिटी को चेंज किया जा सकता है मोल्ड किया जा सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट ठीक है और ये इंडिविजुअलिस्टिक uh, होता है हो सकता है किसी की पर्सनैलिटी ऐसी हो द पर्सन इज़ वेरी हेल्पफुल हो सकता है कोई बहुत सेल्फ सेंट्रिक हो सो दैट इज़ पार्ट ऑफ एन पर्सनैलिटी ठीक है तो कल्चर पर्सनैलिटी और ह्यूमन नेचर इफ़ यू हैव डिफरेंशिएट इन बिटवीन थ्री आई होप यू विल बी एबल टू बेटर डू इट राइट तो दैट इज़ हाउ टू कीप दिस इन योर माइंड देन अगर हम अब कल्चर की अगेन बात कर ले तो कल्चर के डायमेंशंस होते हैं ठीक है थीके? तो कल्चर के अगर हम तीन ब्रॉडर डायमेंशंस की बात करें सो वन इज नॉर्मेटिव प्रोसेस यानी कि कल्चर कुछ ऐसी चीज़ होती है ऐसा नहीं है कि आज के डेट में चीज़ें कुछ और चल रही है और एकदम से वो रैंडमली चेंज हो जाएगी ऐसा नहीं होता है दस अ प्रोसेस अ अट इट्स अ नॉर्मैटिव वन ठीक है देन सेकेंडली इट्स एन एक्सप्रेसिव सिस्टम यानी कि कल्चर में आप किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हो एंड इट्स द एक्सप्रेशन कैन बी ऑफ एनी अदर फॉर्म ठीक है आपको वो आर्ट के द्वारा हो सकता है म्यूज़िक के द्वारा लिटरेचर के द्वारा बट देयर शुड बी सम काइंड ऑफ एन एक्सप्रेशन यानी कि कल्चर एक्सप्रेसिव भी है ठीक है एंड थर्डली इट्स अ सिस्टम ऑफ आइडियाज़ विच इनेबल मेम्बर ऑफ सोसाइटी टू इंटरप्रिटेट द वर्ल्ड मीनिंगफुली राइट कि कल्चर हमें uh, इस चीज़ में हेल्प करता है दैट हाउ वी इंटरप्रिटेट आवर सोसाइटी लाइक जैनिज़म जरिज्म इज़ फॉर्म ऑफ रिलीजन जिसमें आप देखते हैं कि दे इंटरप्रिटेट सोसाइटी की जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं ठीक है दे ऑल हैव सम फॉर्म ऑफ लाइफ लिविंग बींग्स है दे ऑल हैव सम फॉर्म ऑफ लाइफ एंड दे शुड नॉट बी हार्म तो वो अहिंसा का जो मोटो uh, है वो बहुत लिटरली फॉलो करते हैं राइट इफ यू मस्ट हैव स्टडी योर जी एस वन एज वेल तो ये जो कल्चर सिस्टम है इसमें भी एक कोई सिस्टम ऑफ आइडिया किसी थॉट प्रोसेस को वो लेके चलते हैं ठीक है अगर आप इसको रिलीजन uh, एंगल uh, से भी देख ले रिलीजन में भी बहुत अलग अलग कल्चर्स होते हैं रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो यू फाइंड वेरियस अदर डायमेंशंस कि कैसे वो चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखते हैं राइट right? देन uh, हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर की बात कर लेते हैं ठीक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर क्या है तो हम शुरू से ही पढ़ते आए दैट इट इट इज़ एन एक्वायर्ड क्वालिटी यानी कि आप कल्चर को एक्वायर करते हैं लर्न करते हैं इनहेरिट नहीं करते हैं ठीक है सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग देन कल्चर इज सोशल नॉट इंडिविजुअल हेरिटेज ऑफ मैन हमने ये भी देखा था लेकिन हाउ कल्चर इज अ सोशल हेरिटेज दैट इज़ बींग गिफ्टेड टू एन इंडिविजुअल बाय अ सोसाइटी ठीक है देन कल्चर इज आइडियलिस्टिक कल्चर इम्बॉडीज द आइडियाज़ एंड नॉर्म्स ऑफ अ ग्रुप मतलब आइडियलिस्टिक से यहाँ कहने का मतलब है कि जो एक सर्टन सेट ऑफ पैटर्न्स है जैसे हमने बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले ही कि ऐसा नहीं है कि रैंडमली बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी ठीक है एक आइडियल फॉर्म ऑफ बिहेवियर होगा वही उस कल्चर का पार्ट होगा ठीक है सो दैट दैट इज़ हाउ यू कैन से दैट कल्चर इज आइडियलिस्टिक और इट्स अ टोटल सोशल हेरीटेज ऑफकोर्स अगर वो सोशल है तो इंडिविजुअल हेरिटेज नहीं है दैन इट शुड बी अ सोशल हेरिटेज दैन और भी दूसरे हम कैरेक्टरिस्टिक्स uh, uh, की बात करें तो कल्चर फुलफ़िल सम नीड्स सी बेसिकली आप जब एक सोसाइटी में रहते हो तो देर आर सर्टन फॉर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव एज अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी ठीक है और कल्चर आपको उसी नीड्स को फुलफ़िल करने में हेल्प करता है से फॉर एन एग्जाम्पल यू माइट हैव एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द लॉकडाउन हो सकता है आपके घर पे या आपके आसपास कोई ऐसे लोग होंगे दोज हुव लॉस देयर जॉब देवॉर इन टू एन इनफॉर्मल सिस्टम उनके पास खाने के लिए चीज़ें नहीं थी और देवर नॉट एबल टू सर्वाइव तो आपने उनकी हेल्प करना अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी राइट तो दैट इज़ हाउ लाइक द सोसाइटी वर्क्स कि आपने अपनी इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी समझते हुए एज अ पार्ट ऑफ़ द सोसाइटी आपने उस पर्सन की हेल्प करी यू आर नॉट बाउंड टू हेल्प दैम बट यू डिड सो बिकॉज यू फील लाइक कि हाँ एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी आपकी कुछ ड्यूटीज़ बनती है सो अगेन दैट इज अल्टीमेटली रिलेटेड टू द कल्चर ठीक है देन कल्चर इज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम सो इसके एक एग्जाम्पल के हेल्प से आप समझने की कोशिश करते हैं सपोज एज एन इंडियन इट्स कंप्लीटली इन हाइपोथीटिकल एग्जाम्पल सपोज एज एन इंडियन यू शिफ्ट टू अ प्लेस इन कर 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 करेबियन आइलैंड ठीक है सो so, वहाँ की जो कल्चर है वहाँ की जो फूड हैबिट्स है इफ़ यू जस्ट मेक इट वेरी सिम्पल सो वहाँ की जो फूड हैबिट्स है दैट इज़ ऑफकोर्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम वट वी हैव इन इंडिया ठीक है तो वहाँ की जो ग्रॉसरी स्टोर्स होगी दे मस्ट भी हैविंग थिंग्स दैट इज़ यू नो अवेलेबल एज पर दीपल आउट देयर तो यू माइट फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट एट द बिगिनिंग आपको अपनी चीज़ों को एकोमोडेट करना वहाँ पे आप जो चीज़ें खाते हैं वहाँ पे आपको मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा बट सपोज़ कि वहाँ पे आप ही की तरह और भी बहुत सारे इंडियंस जाके बसना शुरू कर दे ठीक है so सो जैसे जैसे वहाँ पर लोग जाएंगे उनकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ेगी धीरे धीरे जो वहाँ के ग्रॉसरी स्टोर्स है दे स्टार्टड यू नो अकोमोडेटिंग द थिंग्स दैट इज़ पार्ट ऑफ द इंडियन फूड कल्चर सो दिस इज़ हाउ द सिस्टम वर्कस ठीक है सो इसको आप कह सकते हैं द इंटीग्रेशन ऑफ कल्चर सो दिस इज़ अ वेरी सिंपलर एग्जाम्पल आप इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं कि कैसे दूसरे की रिक्वायरमेंट के लिए अपने आप को मोल्ड भी कर लिया जाता है अफकोर्स इन दैट पर्टिकुलर सेटअप ओनली ठीक है देन लैंग्वेज इज द चीफ व्हीकल ऑफ़ कल्चर अफकोर्स क्योंकि जब आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे आप बातचीत नहीं करेंगे तो हाउ यू विल बी एबल टू ट्रांसमेट द कल्चर ठीक है आपने कभी कभी देखा होगा इफ़ यू सी और ऑब्जर्व इन योर सोसाइटी और सम कि वहाँ के जो आसपास के लोग होते दे आर लाइक काइंड ऑफ एन वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ठीक है हो सकता है आप महाराष्ट्र से हो तो हो सकता है दूसरा कहीं तेलंगाना से आया हुआ हो या हो सकता है कोई आसाम का हो तो उनकी जो आपकी कल्चरल डिफरेंसेज होती है बहुत अलग अलग होती है बट वैन यू एसिमिलेट विद दैम वैन यू नो दैम वैन यू नो दै कल्चर द सिग्निफिकेंस ऑफ इट यू ट्राई टू यू नो एडमायर इट और यू यून ट्राई टू एडोप्ट तो ये सारी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं ठीक है देन कल्चर एवाल्वस इन टू अ मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कोर्स जैसे जैसे कल्चर में आप एसिमिलेशन करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ती जाएगी एज यू माइट हैव सीन कि एक सिंपलर सोसाइटी होती है वो सिंपलर सोसाइटी के अपने कुछ नॉर्म्स होते हैं अपने कुछ वैल्यू सिस्टम्स होते हैं लेकिन जैसे जैसे उनका इंटरक्शंस uh, inter, uh, होता है बाहर की सोसाइटी uh, से और बाहर के और दूसरे भी कल्चर्स जब उसमें एसिमिलेट होते हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ेगी ठीक है दैन uh, अगर हम इनको होल्ली समराइज़ करें कि वट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर सो देर यू कैन राइट बिकॉज दिस आई हैव इंक्लूडेड सो दैट कि अगर आपको मान लीजिए टेन मार्क का क्वेश्चन है देर यू के नॉट जस्ट राइट अबाउट एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट द कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप उस जगह पर ये मैंशन कर सकते हैं इस तरीके के डायग्राम्स uh, बना के और राइट सो कल्चर इज लर्न ऑफकोर्स कल्चर इज शेड कल्चर इज डायनामिक वो बहुत चेंज होता रहता है कल्चर सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है एंड कल्चर इज सिम्बॉलिक भी होता है ठीक है सो दिस आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर वी टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ कल्चर सो ये एलिमेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच के डिफरेंस को समझने के लिए यू कैन टेक एन 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 एग्जाम्पल ऑफ अ्यूमन बींग अगर एक ह्यूमन बींग की हम बात करें सो हाउ द पर्सन

आपकी बिलीफ सिस्टम बेसिकली आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो डेवलप कैसे होता है ऐसे तो नहीं है नहीं कि अचानक से आपका बिलीफ सिस्टम डेवलप हो जाता है इट टेक्स टाइम इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस ठीक है जो आप अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बनाते हैं सपोज यू हैव अ यंगर सिबलिंग और uh, उस यंगर सिबलिंग ने कुछ गलती कर दी है एंड यू नो इफ़ द इफ योर पेरेंट्स केम टू नो ही और शी विल बी गेट बीटन अप वेरी बैडली ठीक है तो आपने झूठ बोल के अपने सिबलिंग को बचा लिया किसी बात से सो दैट इज़ हाउ यू थाट कि अच्छा किसी की भलाई के लिए झूठ बोलना इज़ नॉट बैड ठीक है आप अपनी वैल्यू सिस्टम सॉरी अपनी बिलीफ uh, के बेसिस uh, पर ये चीज़ें कर रहे हो और अगर हम वहीं वैल्यू सिस्टम की बात करें दैट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ कल्चर तो आपकी वैल्यू सिस्टम ये है कि आपको uh, गलत होने से चीज़ों को रोकना है मतलब यू ऑलवेज स्टिक फॉर द राइट थिंग ठीक है तो वो आपकी वैल्यू सिस्टम है सो so, ये जो वैल्यू सिस्टम है और जो आपका बिलीफ है दे बोथ आर लाइक सम इंटरलिंक्ड ठीक है आपके बिलीफ से ही आपका वैल्यू सिस्टम डेवलप होता है सो आई होप आपने इथिक्स में भी ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी सो यू विल बी बेटर एबल टू डिफाइन इट इफ़ यू हैव टू इन द एग्जामिनेशन अनदर एलिमेंट ऑफ कल्चर इज कस्टम सी कस्टम से बेसिकली कस्टमरी चीज़ जो मतलब वो होनी ही है फॉर एग्जाम्पल करोल बाग में वेल ईटिंग गोल गपाज दे एज़ अ कस्टम टू आस्क फॉर अ ड्राइव वन एट द एंड ऑफ द गोल गपस तो दैट इज़ द कस्टमरी थिंग ठीक है ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कहीं से कहीं लिखा हुआ था कुछ हो रही है बस वैसा होता चला आया है तो वो हो रहा है सो दैट इज़ द थिंग ठीक है देन अनदर एलिमेंट ऑफ कल्चर इज़ रिचुअल्स सो सी रिचुअल्स की अगर हम बात करें सो रिचुअल भी एक कस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आप देखें कि दिवाली के टाइम पे और होली के टाइम पे दज़ अ कस्टम फॉर सच एंड सच डिससेज और सच एंड सच अटायर टू बी वॉर्न बाई मैन एंड वूमेन या अलग अलग जो भी कल्चर्स uh, होते हैं उसमें अलग अलग सेट ऑफ रिचुअल्स होते हैं ठीक है सो अगेन दे आर वेरी इंट्रेंसिक पार्ट ऑफ द कल्चर लैंग्वेज एंड सिम्बल्स दे आर ऑल्सो एलिमेंट्स ऑफ कल्चर क्यों क्योंकि लैंग्वेज uh, और जो सिम्बल्स uh, होते हैं ये भी आपके कल्चर uh, उस फेथ का एक बहुत uh, अभिन्न अंग होते हैं बेसिकली यू कैन से ठीक है स्टोरीज़ सी स्टोरीज़ ना हो तो कल्चरल uh, ट्रांसमिशन तो होगा ही नहीं ठीक है हम कल्चर uh, के बारे में जब uh, जानते हैं जब uh, वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं कल्चर्स सो वो किस फॉर्म में होते हैं वो स्टोरीज़ के फॉर्म में होते हैं ठीक है हमने देखा अच्छा हमारे uh, घर में ये ट्रेडिशन है दैट uh, होली के टाइम पे हम गुजिया बनाया करते हैं हमेशा से ऐसा चलता है ऐसा कहीं लिखा हुआ तो नहीं है क्योंकि वो आपके कल्चरल uh, ट्रेडिशंस में आपके uh, पूर्वजों वैसा किया करते थे सो ए फील लाइक कि हाँ ऐसा होना चाहिए ऐसी चीज़ें करते हैं ठीक है तो वो एक तरह से ट्रांसमिशन uh, होता चला जाता है एंड अगेन दैट फॉर्म्स एलिमेंट ऑफ कल्चर देन आर्ट इफ़ेक्ट्स आर्ट इफ़ेक्ट्स बेसिकली आप uh, किसी भी फ़िज़िकल uh, चीज़ की बात कर ले सो so, uh, जो फ़िज़िकल चीज़ें होती हैं वो भी एक कल्चर uh, के कल्चर से जो एसोसिएटेड चीज़ें होती हैं वो भी एक uh, बहुत इम्पॉर्टेंट uh, एलिमेंट हो जाती हैं कल्चर की ठीक है आप uh, किसी भी आर्ट uh, को ले सकते हैं फॉर um, एग्जांपल अगर आप बात करें कि दिए जलाना दिवाली पे सो so, दिया इज़ लाइक आर्ट क्यों हम दिए की जगह uh, जो लड़ियाँ लगाना क्यों नहीं पसंद करते ठीक है थीके? मतलब दो लोग लगाते हैं आज के डेट में मतलब लेकिन दिए की जो सिग्निफिकेंस है वो अलग ही है राइट उसको आप मैच नहीं कर सकते विद एनी काइंड ऑफ एन आर्टिफिशियल लाइटिंग राइट अभी तक वॉट आर द एलिमेंट्स दैट वी हैव स्टडीड ऑफ द कल्चर हियर यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर आइसबर्ग इस आइसबर्ग में आप देख सकते हैं कि जो आपके बिलीफ और वैल्यू सिस्टम्स है दैट अल्टीमेटली डिफाइंस कि वॉट यू आर गोना डू अगर आप में से किसी ने सुना हो नाम देर इज द रॉबिन हुड आर्मी सो रॉबिन हुड आर्मी बेसिकली क्या करती है दे गो एंड कलेक्ट फूड फ्रॉम द रेस्टोरेंट ऑफकोर्स जो अनसर्व फूड है नॉट द स्टेल वन फ्रेश वन वो जो अनसर्व फूड है वो वहाँ से कलेक्ट करती है एंड दे डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पीपल दोज़ हु आर इन नीड ऑफ इट ठीक है चाहे वो डिजर्टेड हो चाहे बेकरस हो उन तक पहुँचाती है सो वॉट इज द इंसेंटिव फॉर देम टू डू इट दे आर डूइंग फॉर अ ह्यूमेनिटेरियन का कॉज ठीक है ऐसा तो है नहीं उसके बदले में उन्हें कुछ मिल रहा है या कुछ हो रहा है बट क्या मिल रहा है दैट इज़ समथिंग नॉन मटेरियलिस्टिक ठीक है दैट यू कै नॉट जज दैट यू के नॉट मेजर इन टर्म्स ऑफ मटीरियल वैल्यूज तो यही जो आप करते हैं लाइक like, इन लाइफ वॉट एवर द स्मॉल डिसीजन ऑफ द बिगर वन दैट यू टेक इन यूर लाइफ दैट इज़ बेस्ड अपॉन द बिलीव एंड द वैल्यू सिस्टम इसीलिए कहते हैं जो आपका एंड रिजल्ट होता है जो आपका बिहेवियर किस तरीके का होता है वो आपके बिलीव और आपकी वैल्यू पर ही बेस्ड होता है ठीक है तो अगर समवेयर यू हैव टू यू नो डिफाइन और सब्सटेंडिएट इट यू कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर आइसबर्ग का एग्जाम्पल ठीक है दैट यू कैन डू इन द इथिक्स पेपर्स एज वेल हमने I कल्चर mean, से रिलेटेड जितने भी आपके टर्म्स हो सकते हैं एज पर दिलेबस दैट वी हैव कवर्ड बट नाउ विल सी कुछ वैल्यू एडिशन्स जो कि आपके कल्चर से रिलेटेड है डायरेक्टली इनडायरेक्टली ठीक है तो सबसे पहला है सब कल्चर सब कल्चर बेसिकली इज़ नथिंग बट दी सब पार्ट ऑफ दी कल्चर जिसमें आप आ, एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसको समझना चाहें तो एज अ इंडियन हमारा सबका कल्चर सेम है ठीक है बट एज हिंदू वी हैव अ डिफरेंट कल्चर एज अ जैनिज़्म वी हैव अ डिफरेंट कल्चर एज अ सिख वी हैव अ डिफरेंट कल्चर ठीक है तो दीज हिंदू जैन सिक्स दीज आर ऑल पार्ट ऑफ दी सब कल्चर ठीक है ऑफ अ बिगर कल्चर दैट इज़ इंडियन देन अगर uh, आपको एज अ यू पी एस सी एस्पोरेंट के तौर पर एग्जाम्पल समझना हो तो आप ईजीली ये समझ सकते हैं एज एन एस्पोरेंट यू स्टडी जी एस वन टू थ्री फोर ऐसे भी पढ़ते हैं फिल्म्स की भी तैयारी करते हैं ठीक है लेकिन अ पर्सन हैज टेकन एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल और अ पर्सन हु हैज टेकन मैथमैटिक्स सोशलॉजी और एनी अर ऑप्शनल दे बोथ हैव सर्टन थिंग्स इन डिफरेंट ठीक है यानी कि वो है तो पार यूपीएससी पी कम्युनिटी का बट इवन दो दे आर डिफरेंट टू ईच अदर ठीक है सो दैट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल यू कैन थिंक अबाउट लेट मेनी अदर एग्जाम्पल्स दैट यू हैव टू कोट वाइल्ड राइटिंग द आंसर ठीक है नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉन्ट्रा कल्चर हमने सब कल्चर की बात कर ली अब कॉन्ट्रा कल्चर क्या है कॉन्ट्रा कल्चर एक ऐसा ग्रुप है जो कि हमने सब कल्चर में देखा कि डिफरेंट होता है उसके अंदर होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है बट कल्चर में वो डिफरेंट तो होता ही होता है साथ ही साथ इट चैलेंजेस द सर्टन बिलीव और सर्टन सिस्टम ऑफ द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कल्चर ठीक है अगर आप इसको एक्जाम्पल uh, के तौर पर समझना चाहें तो मान लीजिए एक ग्रुप ऑफ दॉस हैं उनके अपने अलग टर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स होते हैं ठीक है कुछ का ये मानना है दे आर द रॉबिन हुड हु इज़ हेल्पिंग द वन हु इज़ डिप्राइव्ड और द पुअर एंड दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग ठीक है और वो जो नॉर्म्स uh, फॉलो करते हैं जो डेक्विट्स uh, फॉलो करते हैं उनका जो एक सर्टन सिस्टम होता है दैट इज कंपल्सरी फॉर ऑल द मेंबर ऑफ द ग्रुप ठीक है वो सब पे अप्लाई होता है मतलब दे हैव टू किल द पर्सन टू सेव दैम नो मैटर वॉट लेकिन ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये आपके जो नॉर्मल स्टैंडर्ड्स है जो एक प्रिवेलिंग uh, पैटर्न है सोसाइटी का कि आप किसी को नहीं मार सकते लॉ एंड ऑर्डर को आप चैलेंज नहीं कर सकते इवन द इनकाउंटरिंग बाय पुलिस इज़ रॉन्ग ठीक है तो ये उसको कॉन्ट्रोडिक्ट करता है मतलब डकवर्ड्स बोल ले और एनी काइंड ऑफ वन पर्सन हु इज़ इन टू द एलिसिट एक्टिविटीज और ये सारी चीज़ें ठीक है तो दैट यू कैन टैग एज अ कॉन्ट्रा कल्चर ठीक है नाओ कल्चरल डाइवर्सिटी कल्चरल डाइवर्सिटी आपने सोसाइटी में भी पढ़ा हुआ है इन यर जी एस वन तो कल्चरल डाइवर्सिटी से हमारा मतलब है कि एक वराइटी ऑफ कल्चर दैट को एग्जिस्ट टुगेदर सो इंडिया एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कल्चरल uh, डाइवर्सिटी का वे यू सी लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ इन कल्चर प्रिवेल ऑल टुगेदर ठीक है सो आई वॉन्ट स्पेंड मच टाइम आउट हेयर बिकॉज ये आपको आई होप सिंपली पता तो होगा ही क्योंकि आपने सोसाइटी में भी इसको पढ़ रखा है सो आई हैव मैंशन दिस इन द नोट्स एज वेल दे यू कैन रेफर टू इट ठीक है देन अब हम आ जाते हैं वन ऑफ़ द इम्पॉर्टेंट थिंक और इन वैल्यू एडिशन कि कल्चर को आप अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिकल फील्ड ऑफ स्टडी से कैसे रिलेट कर सकते हैं ठीक है सबसे पहले बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड एवोल्यूशन ऑफ़ कल्चर की बात करते हैं सी हमने 1.6 में भी पढ़ा था दैट देर आर वेरियस डिबेट्स अमांग द एंथ्रोपोलॉजिस्ट कि पर्टिकुलर uh, चीज़ों को करना किसने शुरू किया जो ह्यूमन बींग्स के एंसेस्टर्स थे उनकी क्या कल्चरल uh, कैपेसिटी थी वो कैसे रहा करते थे कैसे चीज़ों को uh, किया करते थे बिकॉज सी इन सब का आंसर होना बहुत ज़रूरी है टू नो कि जो ह्यूमन बींग के एंसेस्टर्स थे ठीक है वो uh, किस तरीके से इवॉल्व किए All right, क्योंकि ये थ्योरी ऑफ़ एवोल्यूशन को समझने में इन सारी चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ठीक है क्योंकि कल्चर ह्यूमन बींग में कैसे इवॉल्व हुआ है आपने देखा कि पहले कैसे uh, पेड़ पर पे रहा करते थे देन धीरे धीरे uh, ज़मीन पर आए ज़मीन पर आने के बाद उन्होंने धीरे धीरे कैसे uh, जानवरों को मारना या फिर uh, पेड़ पौधे से फल खाना शुरू किया देन अल्टीमेटली केवस में रहना शुरू किया एंड देन लाइक यू नो इवेंचुअली वी प्रोसीडेड लाइक द वे वी आर टुडे और इस दौरान भी बहुत सारे चेंजेस हुए थे जैसे स्कल्स में चेंजेस आए थे uh, टीथ्स के स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आए थे तो आप मान सकते हैं कि ये जो कल्चरल एवोल्यूशन का प्रोसेस था पूरा का पूरा और जो फिजिकल uh, एस्पेक्ट्स में चेंजेस था दे बोथ आर इंटरलिंक्ड ठीक है सो इफ़ यू आर आस्क्ड इन एग्जामिनेशन की आप इन दोनों को कैसे रिलेट करते हैं तो दे आर लाइक वेरियस थिंग्स दैट यू कैन राइट आई वोंट लेट यू राइट द आंसर आउट हेयर बट यू कैन डेफिनेटली ब्रेन स्ट्रॉम मोर अपॉन इट और राइट देन आर्कियोलॉजिकल और कल्चरल अप्रोचेस के बारे में अगर हम बात करें तो सी आर्कियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव uh, से जो आर्कियोलॉजिकल फील्ड है पर्टिकुलरली इसका एवोल्यूशन पिछले uh, कुछ uh, सालों में बहुत ज़्यादा हुआ है ठीक है जो पहले हुआ करता था मतलब आप मान सकते हैं पिछले सौ सालों में जितनी आर्कियोलॉजी ने तरक्की करी है और जो उसकी इंपॉर्टेंस स्टैब्लिश हुई है पहले इतना नहीं हुआ करता था बेसिकली पहले आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर यही देखा जाता था कि अच्छा आप डेटिंग करके ये पता लगा सकते तो ये चीज़ कितनी पुरानी है और क्या है और कहाँ से पाई गई है तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं इन चीज़ों की ठीक है उनका रोल उस तक ही होता था लेकिन जैसे जैसे आर्कियोलॉजी ने भी तरक्की की आर्कियोलॉजी की भी इम्पोर्टेंस थोड़ी और वाइडन होती गई सो आर्कियोलॉजिस्ट बेसिकली नाउ ऑल्सो इन्वॉल्व अलॉन्ग दी हिस्टोरियन साइड बाई साइड कि जो पर्टिकुलर कुछ चीज़ मिली है उस चीज़ की सिग्निफिकेंस क्या रही होगी कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या रही होगी उसको समझने में अगर एक पॉटरी भी मिली है तो उस पॉटरी की कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या होगी ठीक है अगर अम, एक पेंटिंग uh, मिली है तो उस पेंटिंग की सिग्निफिकेंस क्या होगी अगर हमने केव पेंटिंग्स में ये देखी कि uh, कुछ लाइन uh, स्ट्रक्चर्स बने हुए व यू कैन प्री एज्यूम कि पीपल आर डांसिंग अराउंड द फायर और समवन इज चेजिंग और हंटिंग द एनिमल्स तो उससे क्या कल्चरल सिग्निफिकेंस निकल के आता है ठीक है सो ये जो बेसिकली इंटरप्रिटेशन है ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट फ्रॉम द कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू दैट अल्टीमेटली गेव राइज टू और दैट अल्टीमेटली गेव आंसर्स टू लॉट मैनी क्वेश्चन ठीक है जो कि हिस्टोरियंस के होते हैं क्योंकि आपने देखा होगा हिस्टोरियंस दे बेसिकली रिलाई अपॉन द सेकेंडरी डेटा बट आर्कियोलॉजिस्ट थोड़ा सा प्राइमरी uh, चीज़ों को स्टडी करके और उसको इंटरप्रिटेट करके देन दे ब्रिंग आउट द थिंग्स ठीक है सो दैट इज़ हाउ यू कैन रिलेट तो हियर यू इन डेफिनेटली मैंशन अबाउट दी फ्रांस बॉल्स कि कैसे इन्होंने आर्क्योलॉजी uh, को Uh, एक एंथ्रोपोलॉजिकल uh, फील्ड के तौर पे इस्टैब्लिश किया था ठीक है और uh, कैसे इन्होंने आर्कियोलॉजी की इम्पोर्टेंस को कल्चरल uh, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बीच स्टैब्लिश किया था तो दिस थिंग दैट यू कैन मेंशन और गॉर्डन चाडे की भी और वीसी सी के भी कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स uh, रहे थे इन स्टैब्लिशिंग द आर्क्योलॉजी एज दी इम्पॉर्टेंट फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी तो वो भी क्या रहे थे दैट यू कैन मैंशन आउट द ठीक है लिंग्विस्टिक लैंग्वेज इनका भी कल्चर से तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है दैट यू कैन यू नो जनरली सी इन द डे टू डे एग्जाम्पल्स ऑल्सो वे यू सी सम वन टॉकिंग इन अ वेरी फ्लिथी लैंग्वेज यू डेफिनेटली से दैट पर्सन इज़ वेरी अनकल्चर ठीक है तो उसी तरीके से इजिप्शियन सोसाइटीज़ जो पुरानी इजिप्शियन सिविलाइजेशंस थी उनके भी अलग एक रॉयल uh, लैंग्वेजेस हुआ करते थे एंड दोज आर लाइक स्पीकिंग दैट लैंग्वेज दे आर ओनली कंसीडर्ड टू बी सुपीरियर अमंग्स द अदर तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हम uh, किसी दूसरे को उनके बोल चाल के आधार पर जज करते हैं राइट सो ये कल्चर का आप कह सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू है अलॉन्ग विद द लिंग्विस्टिक पार्ट ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी ठीक है Now uh, let's talk about the variability in culture. Let's understand this variability with the help of an example. Suppose a South Asian student, an Indian student and an American one, all three of them went to see the UNESCO World Heritage Site at the Mamlapuram. Okay? So there they see Krishna Butterball and the Indian one must be you know, feeling very proud of the cultural heritage. जो साउथ एशियन होगा हो सकता है उसे वहाँ की जो स्टेनिक ब्यूटी है नेचुरल ब्यूटी है वो बहुत अच्छी लगे इन केस वन अमेरिकन स्टूडेंट ही माइट ही और शी माइट बी यू नो मच कंसर्न अबाउट द फिजिक्स दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द कृष्णा बटीबॉल ठीक है तो दिस इज हाउ दे परसीव एज पर दे ओन कल्चरल वेरिएबिलिटी कि उनके कल्चर में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्या डिस्टिंट हैं और वो सही गलत नहीं होता है इसमें इट इज़ बेस्ड अपॉन दैट हाउ यू परसीव थिंग्स ठीक है अभी जैसे आप देखेंगे कि अलग अलग कल्चर्स में शादी का भी जब हम मैरिज के कंसेप्ट को आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में दे यू विल सी कि कैसे मैरिज एज अ सोशल कंसेप्ट भी अलग अलग uh, जो सोसाइटीज़ होती हैं अलग अलग जो कल्चर्स होते हैं उसमें उनकी अलग अलग डेफिनेशनस भी होती हैं ठीक है थीके? उसी तरीके से अगर आप आ, इंडियन कल्चर को अगर रशियन कल्चर से कंपेयर करें तो इंडियन कल्चर में हमने आ, ये देखा है कि नॉन वायलेंस इज़ द ग्रेटेस्ट वर्च यू लेकिन रशिया में आप देखेंगे कि उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है मतलब इट्स नॉट दैट द नॉन वायलेंस इज द ग्रेटेस्ट वर्च यू उनके लिए है किसी का अन्याय नहीं सहना है ठीक है मे बी आपको उसके लिए वायलेंस ही क्यों ना करना पड़े तो दीज आर द थिंग्स दैट यू परसीव बेस्ड अपॉन दी कल्चरल वेरिएबिलिटी ठीक है ऐसा कुछ है नहीं कि ये एक सर्टन uh, चीज़ें होती है जो यून होती है हो सकता है आपके कल्चर में कुछ चीज़ें आप आ, सही हो सकती हैं तो कुछ चीज़ें गलत भी हो सकती हैं तो ये वेरिएबिलिटी क्यों होती है इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं दैट वी विल सी तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रीजन कैन बी द हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स ठीक है आपके हिस्ट्री आपको कैसे नचर कर रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आज आप क्या कल्चर परसीव कर रहे हैं ठीक है आपके जो कस्टम्स हैं रिचुअल्स हैं वो आपके हिस्टोरिकल फैक्ट uh, से बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड होते हैं आप किस जोग्रफिकल इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिफाइन करती हैं दैट वाइट काइंड ऑफ एन कल्चर यू आर फॉलोइंग ठीक है that, uh, kind of कि uh, जैसे आप मान लीजिए एक ऐसा कल्चर है एक uh, ऐसा माउंटेनर्स का कल्चर है वो uh, ऐसे आइसोलेटेड जगह पर रहते हैं वेयर द डिविजन ऑफ लैंड इज़ डिफ़िकल्ट ठीक है एंड टू प्रिवेंट दैट डिविज़न ऑफ लैंड दे फॉलो अ प्रैक्टिस ऑफ पॉलियाड्री यानी कि एक भाई की जो शादी होती है दूसरे भाई की भी शादी उसी लड़की से कर दी जाती है ताकि जो ज़मीन का बंटवारा है वो ना हो बिकॉज लैंड ऑलरेडी बहुत छोटे और फ्रैगमेंटेड होते हैं और उसका डिवीजन बचाने के लिए ये प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है ठीक है तो वो उनके इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट है कि उनका एन्वायरमेंट कैसा है वो उस हिसाब से बिहेव करते हैं ठीक है थीके? और उसी तरीके से आप देखेंगे कि आ, जो सिविलाइजेशन uh, सेटलमेंट हुई थी वो सिविलाइजेशन सेटलमेंट आपके रिवर के आसपास हुई थी ठीक है और वो सेलेंटरी लाइफ जी रहे हैं या हंटर एंड गैदरर्स की जी रहे हैं ये किस पर डिपेंड करता है कि उनके पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल थे जिन्होंने विलेज लाइफ सेटल कर ली जो नदी के किनारे बस गए उन्होंने खेती बाड़ी शुरू कर दी एंड दैट इज़ हाउ दे बिकम सेटल्ड लेकिन जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी जो पहाड़ों पे रहते थे या किसी ऐसी आइसोलेटेड जगह पे रहते थे तो उन्होंने हंटर एंड गैदरर्स बनके ही रहना सही समझा बिकॉज उनके पास वो कंडीशन uh, अवेलेबल नहीं थे तो दैट इज हाउ आपका कल्चर उसी अकॉर्डिंग ढलता चला गया और राइट देन हम और दूसरी बात करें जो फैक्टर्स कल्चर वेरिएबिलिटी को फेवर करते सकते हैं दैट इज़ मोबिलिटी ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म ठीक है एक मैन का जो बिहेवियर है आपने देखा होगा कि कैसे आप uh, एक uh, जो टीनेजर होता है उसकी सोच में और द वन हु इज़ अ मेच्योर वन उसकी सोच में कैसे uh, आप एक डिफरेंस देख सकते हैं तो ये डिफरेंस जस्ट आपकी uh, परसीवनेस uh, का नहीं होता है ये आप कैसे चीज़ों को देखना शुरू करते हैं आपके लाइफ एक्सपीरियंसिस पे भी बहुत ज़्यादा बेस्ड होता है और ये एक्सपीरियंसिस आप कैसे गेन करते हैं थ्रू आउट द इंटरेक्शन थ्रू आउ द पीपल दैट यू मीट ठीक है अगर आप एक uh, बंद कमरे में अकेले सालों साल रहेंगे और आपका इंटरेक्शन किसी से नहीं होगा तो आपकी जो कल्चरल कॉगनीजेंस है या और भी जो आपकी मेंटल वेलबींग well है वो डिटेरिएट होती चली जाएगी ठीक है लेकिन जैसे ही आप uh, लोगों से घुलते हैं मिलते हैं तो यू गेट टू नो सो मेनी न्यू थिंग्स एंड दैट इज़ हाउ यू बिल्ड अपॉन दैट ठीक है देन इन्वेशन एंड डिस्कवरीज ऑफकोर्स इन्वेंशन और डिस्कवरी से तो चीज़ें में बदलाव आता ही है कि आपने पहले आप ये सोचते थे कि ओके okay, चूल्हे पे खाना बनाना इट लाइक क्वाइट गुड लेकिन जैसे जैसे आपके पास और दूसरे अवेलेबल मीन्स ऑफ कुकिंग फील्ड्स आ गए यू स्टार्टेड फीलिंग कि नहीं है तो बहुत पोल्यूशन फैला रहा है सो दैट इज़ नॉट गुड ठ ठ ठ ठ ठीक है तो हमें एक ऐसे सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल की तरफ मूव ऑन होना चाहिए दैट इज़ नॉट स्प्रेडिंग पोल्यूशन तो ये कैसे मतलब आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो भी तो आपके कल्चर से ही कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हुई है ठीक है और ये कल्चर से इन्फ्लुएंस कैसे हुई अगर कल को आपके पास कोई अवेलेबल ऑप्शन नहीं होता यू डोंट हैव द एल पी जी सिलेंडर्स एंड ऑल तो क्या आप फायरवुड uh, से मूव ऑन करते हैं कि आप कोल जलाना बंद करके आप एल सिलेंडर यूज़ करना शुरू करते नहीं करते बिकॉज़ आपके पास उस समय पर वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं तो आप वो अपने आप को उस तरीके से ढाल नहीं सकते ठीक है लेकिन जैसे जैसे आपके पास चीज़ें आते लगती हैं तो आपके जो आ, मतलब नेचर में बदलाव है वो भी शुरू हो जाता है जैसे आपने सुना होगा कि जो सिलबट्टे की पिसी हुई चटनी होती है कुछ लोगों को वो बहुत अच्छी लगती है लेकिन आज के डेट में अगर आपके पास मशीन्स अवेलेबल है ठीक है तो हम बोलते हैं ना कि वाह वो तो पहले के दिन बहुत अच्छे थे उस टाइम पे ऐसा हुआ करता था वैसा हुआ करता था लेकिन चीज़ें बदल रही हैं आपके कल्चर में वेरिएशन आ रहे हैं एंड ऑल दैट थैंक्स टू द डिस्कवरीज़ एंड इन्वेंशन दैट वी आर सींगज डेज अदर फैक्टर दैट इज़ रिलेटेड टू दी कल्चरल वेरिएबिलिटी आप मान सकते हैं कि एक पर्सन की पिकुलरिटी और पर्सनल एसेंट्रिसिटीज फॉर दिस वॉट आई मीन टू सेज कि आपने देखा होगा और आई मीन पढ़ा होगा इन द मॉडर्न हिस्ट्री दैट हाउ गांधी जी इंफ्लुएंस्ड दी मास मूवमेंट ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल लोगों ने गांधी कैप लगाना शुरू कर दिया उन्होंने नॉन वायलेंस का नारा देना शुरू कर दिया एंड दर वर मेनी अदर थिंग्स दैट हैपन ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम तो इसमें एक बदलाव कैसे आया है और लियर द पीपल डोंट यूज़ टू बी द सेम वे एज दे व ड्यूरिंग द गांधी फेज राइट तो ये चेंजेस कैसे आया बिकॉज ऑफ़ दैट पर्टिकुलर पर्सनल इन्फ्लुएंस पर्सन के इन्फ्लुएंस से ठीक है देन चेंज इन द मोड ऑफ प्रोडक्शन ऑफकोर्स जैसे जैसे uh, चीज़ों में uh, बदलाव आता है जैसे जैसे मोड ऑफ़ प्रोडक्शन में चेंजेस आते हैं उस तरीके से भी आपके uh, कल्चर में बदलाव आता है ठीक है कल को uh, जहाँ पर uh, अवेलेबल नहीं थी बहुत सारी प्रोसेस चीज़ें एक ह्यूमन बीइंग को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी कुछ चीज़ों को करने के लिए बट आज के डेट में जहाँ आपके पास ईजिली बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है यू डोंट रियली डू दैट ठीक है पहले आप देखते होंगे घर में लोग गाय रखा करते थे जस्ट टू गेट फ्रेश मिल्क बट दीस डेज यू कैन गट फ्रेश मिल्क एट द दो स्टेप्स ठीक है तो वाई डू यू कीप अ अवर योर होम एंड डू ऑल द थिंग्स दैट इज रिक्वायर टू डू ठीक है तो ये मोड ऑफ प्रोडक्शन से भी आपके कल्चरल वेरिएबिलिटी पे बहुत फर्क पड़ता है देन डोमिनेंट कल्चरल थीम सी इंडियन सोसाइटी में दैट्स अ हार्श ट्रुथ कि आज भी uh, जो वुमेन है उनको एक मेल पेट्रैक्टर सोसाइटी में रहना पड़ता है आई एम नॉट हियर टू डिबेट ऑन इट बट या दैट इज द ट्रुथ तो आप इस चीज़ को देखेंगे कि ये ऐसा क्यों है बिकॉज दस अ काइंड ऑफ ए माइंडसेट ठीक है एक माइंड ऐसा डेवलप हो चुका है वेयर मैन आर कंसिडर सुपीरियर टू दी वुमेन चाहे वुमेन आज के डेट में कितने भी आगे बढ़ गई हो उन्होंने कुछ भी कर लिया हो कुछ भी हासिल कर लिया हो बट एक जो प्रिवेलिंग सोसाइटल कंडीशन होती है वो ऐसी ही रहती है एंड दैट इज हाउ द कल्चर प्रिवेल्स ठीक है और uh, आप जब कंडीशन ऑफ वुमेन के बारे में पढ़ेंगे ऑफ कोर्स इन द सोसाइटी इट्स देन यू सी कि कैसे प्री वैदिक फेजेस में देन वैदिक uh, एरा में देन लेट वैदिक एरा में देन ड्यूरिंग द मुगल पीरियड कैसे कैसे चेंजेस आते हैं तो आपको क्यों लगता है ये कल्चरल चेंजेस ही तो हैं दैट द कल्चर द वे कल्चर प्रोसीव द वे सोसाइटी डू द थिंग्स ठीक है और उसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल्स अगर आप मैंशन करना चाहें तो इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन जब आप उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे दैन यूल सी कि इट वॉज ऑर्गनाइज इन एन अराउंड द नेथर वर्ल्ड यानी कि हेल एक जो पर्टिकुलर थीम थी दैट वॉज द थीम ऑफ एन हेल ठीक है उसी के इन एन अराउंड आप चीज़ें देखेंगे क्योंकि आपने जब uh, कुछ मूवीज़ या कुछ देखी होंगी तो दे यूल सी इन द इंटायर फिल्म इन अ डार्क वे ठीक है तो उसी तरह से वो चीज़ें थी और उसी के इन एन अराउंड पूरा का पूरा वो कल्चर डेवलप किया था ठीक है तो आप ये देख सकते हैं कि एक डोमिनेंट कल्चरल थीम भी होती है देन अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वैल्यू एडिशन पे दैट इज़ द फंक्शन ऑफ द कल्चर सी अब कल्चर है हमने कल्चर के बारे में इतनी सारी चीज़ें जान ली तो अब जाहिर सी बात है कि कल्चर का कुछ फंक्शन भी हुआ करता होगा और ये फंक्शन आप दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं वन इज़ लाइक द इंडिविजुअल और दूसरा ग्रुप यानी कि इंडिविजुअल के लिए क्या फंक्शन है कल्चर का और ग्रुप परस्पेक्टिव से क्या फंक्शन है कल्चर का सो लेट्स स्टार्ट फॉर द इंडिविजुअल पर्स्पेक्टिव ठीक है कल्चर बेसिकली एक मैन को ह्यूमन बीइंग बनने में हेल्प करता है आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बीइंग ह्यूमन वाला चीज़ लेकिन हाँ आपकी कल्चर बहुत सारी चीज़ें आपको मदद करती है फ्रेम आउट करने में दैट हाउ यू गोना डू द थिंग्स सो दैट इज़ हाउ इट इज़ ठीक है कि आप किसी से कैसे बात करेंगे आप किस को खाना ऑफर करेंगे आप अपने गेस्ट के साथ कैसा बिहेव करेंगे ऑल दीज आर लाइक फॉम पार्ट ऑफ योर कल्चर ओनली देन कल्चर प्रोवाइड सोल्यूशंस फॉर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस सी अगर आप किसी लाइन में खड़े हैं ठीक है और अगर आप वो लाइन तोड़ के मतलब आप बिल्कुल आखिर में आए और आप लाइन तोड़ के बिल्कुल आगे चले गए तो यू डेफिनेटली सी कि जो पीछे वाले लोग हैं वो शोर मचाना शुरू कर देंगे कि अच्छा आप तो पहले आए नहीं थे आप बाद में आए आप आगे चले गए एंड यू विल बी टैक्ट एज एन अनकल्चर्ड वन ठीक है तो एक्चुअली में दैट इज़ रॉन्ग इफ यू आर कम इफ़ यू हैव कम लेट यू शुड हैव जॉइन द क्यू एंड देन वेट फॉर योर चांस लेकिन आपने उस चीज़ को ना फॉलो करते हुए यू जस्ट वेंट अहेड तो आप अनकल्चर्ड ही कह रहे हैं राइट right? तो कल्चर आपको हेल्प करता है बिकॉज इफ़ यू आर अ कल्चर्ड मैन यू शुड नॉट ब्रेक द क्यू यू शुड ट्राई एंड फॉलो द नॉर्म्स जो चल रहा है ठीक है मतलब हम एक बहुत आइडियलिस्टिक वे में अगर बात करें सो दैट इज़ हाउ इट शुड बी देन और क्या फंक्शंस हो सकते हैं इंडिविजुअल के लिए कल्चर के है? तो कल्चर प्रोवाइड्स ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन टू सर्टेन सर्टन सिचुएशंस सी हो सकता है कि आपके कल्चर में uh, कुछ एक पर्टिकुलर uh, Uh, जो रिचुअल है या पर्टिकुलर जो एक कस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है और दूसरे के लिए शायद वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकता है लाइक सपोज इन योर कल्चर यू बिलीव कि अच्छा अगर आपकी uh, एक uh, काली बिल्ली रास्ता काट देती है सो दैट इज़ वेरी रॉन्ग यू शुड नॉट डू एनी सच गुड थिंग्स इफ ब्लैक कैट क्रॉसज़ योर वे बट हो सकता है दूसरे कल्चर में इसका कुछ अलग मतलब हो ठीक है क्योंकि आप देखेंगे कि एक ही पर्टिकुलर uh, चीज़ को दो अलग अलग कल्चर्स में भी अलग अलग वेरिएशंस uh, होते हैं कि कैसे किसी कल्चर में आपको आउल uh, जो है जो उल्लू जिसे आप बोलते हैं दैट इज़ रिगार्डेड एज अ सिंबल ऑफ विजडम एंड नॉट अ सिंबल ऑफ इडियोकेसी यानी कि उसे एज अ सिंबल ऑफ़ विजडम हम देखते हैं इवन द हिंदू कल्चर यू विल सी कि आप दिवाली के टाइम पे उल्लू का देखना बहुत शुभ माना जाता है एंड दैट इज़ हाउ यू विल सी देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रेडिंग गोइंग ऑन ड्यूरिंग दी दिवाली फेस्टिवल आप देखेंगे उस टाइम पे हमेशा आपको नज़र आएगा कि कैसे उल्लुओं की तश्करी हो रही है सो so, ये पूरे के पूरे कल्चर का ही एक uh, आप मान सकते हैं खेल है ठीक है उसी की वजह से ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड हो जाती हैं देन ग्रुप के भी क्या फंक्शन हो सकते हैं कल्चर के सो कल्चर कीप्स द सोशल रिलेशनशिप इंटैक्ट ठीक है मतलब आप जो भी कुछ बिहेव कर रहे हो इन सोसाइटी में और uh, आपके अपने स्कूल में ऑफिस में तो अगर आप अनकल्चर तरीके से बिहेव करेंगे तो जाहिर सी बात है ना आपके uh, कलीग्स आपसे बात करना पसंद करेंगे ना अगर आप स्कूल में हैं तो आपके दोस्त बनेंगे तो यू शुड बिहेव इन अ कल्चरल मैनर ठीक है अगर आप ऑफिस uh, में हो और ड्यूरिंग द लंच टाइम यू स्टार्टेड ईटिंग बोथ विद योर हैंड्स एंड लाइक यू नो इन अ वेरी अनहाइजीनिक वे तो आपके पास दूसरे लोग आके बैठने आप पसंद नहीं करेंगे ठीक है सो दैट इज़ हाउ यू शुड बी कल्चर्ड कि आप जानते हैं सोसाइटी में ऐसा माना जाता है दैट यू शुड बी बिहेव इन अ वेरी जेंटलमैन वे एंड यू शुड ईट इन दिस वे और यू शुड बिहेव इन दैट वे तो अगर उसी तरह से आप फॉलो करेंगे देन यू विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी देन कल्चर ब्रॉड इन द विजन ऑफ द इंडिविजुअल सी एज एन इंडिविजुअल हमने uh, जब माइग्रेंट डिस्ट्रेस वाली भी बात करी थी कि हाउ ड्यूरिंग द लॉकडाउन सम हेल्प अदर्स तो ये भी एक ग्रुप में फंक्शन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ठीक है कि कैसे आप अपने विजन को एक इंडिविजुअलिस्टिक ना रखते हुए एक पूरे ग्रुप के लिए सोचते हो और राइट देन कल्चर क्रिएट्स न्यू नीड्स सी कल्चर क्रिएट्स न्यू नीड्स का ये मतलब है कि क्यों हमें बुक्स uh, पढ़ना चाहिए कहते हैं ना कि आपको बुक्स पढ़ना चाहिए दैट हेल्प्स यू ब्रॉडन योर होराइजन तो हमें बुक पढ़ने की क्यों ज़रूरत है हमने कॉलेजेस uh, पास कर लिए हमने स्कूल के टाइम पर इतनी मेहनत करी uh, तो आप अभी क्यों बुक्स पढ़ना चाहते हैं बिकॉज uh, बुक्स पढ़ने से आप एज अ बेटर ह्यूमन बींग बन पाएंगे आप बहुत सारी नई चीज़ों को जान पाएंगे ठीक है और उन नई चीज़ों को जानने के क्रम में आप अपने आप को एक बेटर पर्सन बना पाएंगे दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी देन अनदर पॉइंट रिलेटेड टू द कल्चर अगर हम बात करें सो दैट इज़ कल्चरल डिफ्यूजन सी कल्चरल डिफ्यूजन भी कोई एक नया टर्म नहीं होना चाहिए बिकॉज कल्चरल डिफ्यूजन के बारे में अगेन आपने सोसाइटी uh, में ज़रूर पढ़ा होगा इन द जी एस वन तो अब कल्चरल डिफ्यूजन का एक प्रोमिनंट एग्जाम्पल है मैगडनलाइजेशन मैगडनलाइजेशन में आपने क्या पढ़ा कि एक पर्टिकुलर जंक फूड जो कि एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में काफ़ी फेमस है उसने धीरे 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 अलग अलग रीजन्स में जाके अपनी डोमिनस बना ली ठीक है सो so बेसिकली ये मैकडोनल्ड बर्गर का एग्जाम्पल अगर आप ले लें तो मैकडोनल्ड बर्गर आज लोग इंडिया में भी खाते हैं यू में भी खाते हैं इवन रशिया चाइना जापान हर जगह ये खाया जाता है अफकोर्स थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी रीजन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट बट इसको आप कल्चरल डिफ्यूजन का नाम दे सकते हैं ठीक है और उसी तरह से एक अगर आप, आप दूसरा एनशेंट एग्जाम्पल लेना चाहें सो दैट इज़ इजिप्ट जो कहा जाता है क्रेडल ऑफ़ सिविलाइजेशन सो इजिप्ट वॉज ऑफ़ मेनी सेंचुरीज़ अ कल्चरल सेंटर फ्रॉम वेर मेनी कल्चरल ट्रेड्स इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड नॉर्थ वेस्ट इन यूरोप एंड ईस्ट एज़ फार एज़ इंडिया हम बोलते हैं ना कि हमने मिसो पटामियम इंडस वैली सिविलाइजेशन और भी जो अलग अलग सिविलाइजेशन थी कैसे वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हुए और उससे बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व हुई ठीक है और उस एवोल्यूशन की वजह से जो आज प्रेजेंट डे कल्चर है वो धीरे धीरे डेवलप हुआ और कल्चर डिफ्यूजन के जो फील्ड में अगर आप मानना चाहें कि कुछ आपको प्रोमिनेंट नेम्स लिखने हैं सो यू कैन मैंशन अबाउट ग्रेबनर एंकरमैन एंड सहनेट दीज आर ऑल जर्मन स्कॉलर जिन्होंने इस प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन को पॉपुलराइज करने में काफ़ी काम किया था ठीक है देन ही आर ऑल्सो यू कैन सी कि कल्चरल uh, डिफ्यूजन को अगर आप डिफाइन uh, करना चाहें तो कल्चरल डिफ्यूजन diffu क्या हो सकता है कल्चरल डिफ्यूजन इज़ बेसिकली वन कल्चर टेकिंग ओवर दी अनदर कल्चर शेयरिंग एंड ब्लेंडिंग आइडियाज़ मतलब टेकिंग ओवर का ये मतलब नहीं कि पूरी तरह से ओवर पावर कर ले। लेकिन हाँ काइंड ऑफ एंड डिफ्यूजन मेल मिला एक तरीके का जो उसकी अच्छी चीज़ें हैं जो चीज़ें सूटेबल है उसको इंटीग्रेट uh, कर लेना देन डिस्ट्रक्शन ऑफ ए कल्चर कल्चर डिफ्यूजन से डिस्ट्रक्शन ऑफ ए कल्चर भी हो सकता है सपोज uh, कि एक पर्टिकुलर uh, एरिया है जहाँ पे ट्राइबल डोमिनेंस है और उनका एक अपना कल्चरल वे ऑफ लाइफ है और जैसे जैसे अलग तरी, uh, अलग जो रीज़न uh, के लोग हैं वहाँ पे जाके बसना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा इवेंचुअली एट अ पॉइंट ऑफ टाइम दैट ट्राइबल कल्चर विल डिफ्यूज़ इन टू दी अनदर कल्चर डोमिनेंस दैट इज़ स्प्रेड आउट देयर वो कितनी देर तक अपने आप को बचा पाएंगे क्योंकि वो ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो छोटी है और जो अलग पॉपुलेशन वहाँ पे आके बसना शुरू हो गई है वो उनसे संख्या में काफ़ी बड़ी है तो जाहिर सी बात है जो कल्चर ज़्यादा डोमिनेंट होगा वही प्रिवेल करेगा इन द लॉन्गर रन सो दैट इज़ हाउ यू कैन सी द कल्चर डिफ्यूजन कि ये कहीं कहीं पर डिस्ट्रक्शन का भी काम कर सकता है ऑफ अ पर्टिकुलर कल्चर ठीक है देन अ कल्चर रिमेनिंग द सेम और जाहिर सी बात है ऐसा भी हो सकता है कि उतना ज़्यादा कुछ चेंज ना हो डिफ्यूज़ भी कर जाए लेकिन बहुत ज़्यादा चेंजेस ना आए जैसे मैकडोनल्ड के केस में आप ले सकते हैं कि अगर आप देखेंगे अमेरिका में जो मैकडोनल्ड बर्गर्स होते हैं उनकी जो फीलिंग्स होती हैं दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम वट वी हैव इन इंडिया ठीक है in तो ऐसा नहीं है कि मैकडोनल्ड ने आके पूरी तरह से इंडियन मार्केट को अपने रंग में ढाल दिया है बल्कि इंडियन मार्केट ने उनको अपने रंग में ढाल दिया है आप देखेंगे मैकडोनल्ड हो जाए या डोमिनोज हो जाए इन्होंने पिजारिया भी बनाना शुरू कर दिया था इन द वे बिरयानी इज़ बिंग मेड इन इंडिया ठीक है तो ये सारा क्या है ऐसा नहीं है कि इंडिया ने उसे ओवर पावर करने दिया बल्कि अपने रंग में ढाल दिया ठीक है तो इसके अलग अलग डायमेंशनस भी हो सकते हैं दैट इज़ वॉट यू हैव टू थिंक एट्रीब्यूट्स ऑफ कल्चर की बात करें सूद्या बेसिकली टू एट्रीब्यूट्स इथोज एंड ईडोज Uh, इनको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझ समझ समझने की कोशिश करें तो बेसिकली ईडोज आप इस तरह के समझ सकते हैं कि एक कल्चर स्पेसिफ़िक uh, चीज़ जो हमारे माइंड में इंप्रिंट है लाइक फॉर एन एग्जाम्पल लाइक पठान एंड सिक्स आर द वॉर कम्युनिटीज दे आर वेरी करेजियस तो ये एक टाइप का माइंडसेट है राइट right? जो हम एक कल्चर स्पेसिफिक बनाते हैं देन इथोज़ की अगर हम बात करें तो ईथोज एक क्रेडिबिलिटी इंटरेस्ट स्टैब्लिश करता है आपने सुना होगा कि कोलगेट uh, का एड रिकमेंडेड बाय डेंटिस्ट और सम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स एड रिकमेंडेड बाय डोमेटोलॉजिस्ट। सो ये बेसिकली एक फैक्ट स्टैब्लिश करता है कि हाँ कुछ लोगों ने जो एक पर्टिकुलर क्रेडिबल पर्सन है दोज हैव लाइक इंटरेस्ट इन दिस पर्टिकुलर थिंग दे हैव रिकमेंडेड इट सो दैट इज़ हाउ यू शुड टेक इट एज दी फेस वैल्यू ठीक है तो और भी बहुत सारे आपको एट्रीब्यूट्स मिल सकते हैं इफ़ यू ट्राई एंड लुक फॉर लेकिन आपको ये बेसिकली दो याद रखने हैं और ये किनों ने दिए थे सो so, क्रोबर ने बेसिकली ये दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर्स हाईलाइट किए थे ठीक है नाउ फाइनली कमिंग टू द सिविलाइजेशन जो कि टॉपिक आपका मेन पार्ट है सिलेबस टू पॉइंट वन का ठीक है तो सिविलाइजेशन क्या है सिविलाइजेशन इज ना थिंग बट अ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी जहाँ पर अलग अलग कल्चरल ग्रुप्स को एग्जिस्ट करते हैं राइट right? ज़रूरी नहीं है कि एक ही लाइक फॉर्म ऑफ ग्रुप वहाँ पर होगा अलग अलग लोग होंगे साथ में वो एग्जिट करेंगे और दैट इज़ हाउ द फॉर्म ऑफ सिविलाइजेशन और सिवलाइजेशन के कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं दैट वी विल सी तो उसमें से जनरल आपके एग्रीकल्चर डिपेंडेंस uh, होती हैं लॉन्ग डिस्टेंसेज ट्रेड होते हैं यानी कि कॉन्टैक्ट्स होता है दूसरों से भी ऐसा नहीं आइसोलेशन में रह रहे होते हैं एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है लीडरशिप होती है दैन uh, कुछ स्पेशलाइजेशन होती हैं सोसाइटी um, uh, में कि लाइक द वन हु इज़ मेकिंग पॉटरी द वन हु इज़ यू नो ट्रीडिंग पीपल एंड द अदर हु इज़ द ट्रेडर इस तरीके की और क्लास ट्राटिफिकेशन इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि वहाँ पे सोसाइटी uh, में ये uh, ज़्यादा सुपीरियर है इससे और ये इन्फीरियर है इस टाइप की क्लास ट्राटिफिकेशन भी एग्जिस्ट करती है सो दैट इज़ वॉट मेक्स अप अ सिविलाइजेशन ठीक है आप जैसे देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन वैसे पोटामियन सिविलाइजेशन इजिप्शियन सिविलाइजेशन इवन चाइनीज सिविलाइजेशन जो ये सारे हैं ये सारे आपके इन एनशेंट सिविलाइजेशन हैं और इनके अगर आप देखेंगे कॉम्नालिटी क्या है तो दे ऑल वेयर सिटुएटेड समवेयर अराउंड दी रिवर सिस्टम ठीक है तो उस तरीके से ये बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता था रिवर सिस्टम के आसपास से यानी कि एग्रीकल्चर में मदद करेगा रिवर सिस्टम के आसपास है यानी कि उस समय पे एरोप्लेन तो हुआ नहीं करते होंगे सो दे कुड ईजिली सेल थ्रू एंड गो टू अदर प्लेसेस फॉर ट्रेडिंग ठीक है और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो बिकॉज ऑफ दिस क्योंकि वहाँ का लैंड काफ़ी फ़र्टाइल था uh, तो चीज़ों को मोल्ड करने के लिए मिट्टी का यूजेज बहुत आसान हो गया था दैट हाउ दे दिस मेकिंग ब्रिक्स और उससे उन्होंने घर बनाना शुरू कर दिया सो ऑल दीज थिंग्स आर काइंड ऑफ एन इंटरलिंक्ड ठीक है और सोसाइटी uh, में ये जो मेन चीज़ें होती हैं इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें होती है लाइक व्हाट मेक्स अ सोसाइटी कि आपकी कुछ uh, वहाँ पे राइटिंग uh, स्टैंडर्ड्स uh, होने चाहिए कुछ सिस्टम ऑफ मेज़रमेंट होने चाहिए कुछ लीगल सिस्टम भी होना चाहिए कि अगर किसी ने कोई गलती करी है तो उसको किस तरीके से ठीक किया जाए तो ये आज के जैसा नहीं और भी अलग अलग टाइप ऑफ चीज़ें हो सकती है आज भी हम एक मॉडर्न सिविलाइजेशन में ही रह रहे हैं तो आज के डेट में आप देख सकते हैं हमारा जस्टिस सिस्टम कैसा है दैट वी हैव वन जस्टिस सिस्टम राइट देन कुछ एंटरटेनमेंट के भी आ, साधन होते हैं कुछ फॉर्म ऑफ आर्ट भी होते हैं पहले के भी आप आर्ट्स फॉर्म देखेंगे कि उस टाइम पर भी आ, आ, कुछ चीज़ें बनी होती थी जो आज हम देखते हैं और वो आपके हेरिटेज का एक पार्ट बनी हुई हैं राइट right? तो ये सब एक साथ मिलके सिविलाइजेशन को कंप्लीट करता है और सिविलाइजेशन को बनाता है ठीक है देन uh, इसके आप अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें बिकॉज ये तो जो हमने अभी तक बात करी वी टॉक्ड अबाउट कि एज अ होल सिविलाइजेशन क्या होता है हम कैसे समझ सकते हैं तो अगर आपको डेफिनेशन लिखना हो तो अल्बर्ट स्की uh, ने एक डेफिनेशन दी थी दैट यू कैन राइट ऑक्सफर्ड डिक्शनरी की जो डेफिनेशन है दैट यू कैन डेफिनेटली कोट ठीक है सो आई वोंट स्पेंड मच टाइम है यू कैन सी एंड यू शुड ट्राई एंड मेमोराइज दिस थिंग पर्टिकुलरली क्योंकि ये जो पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है ना किसी के द्वारा दी गई हुई या कहीं पर राइटली मैंशनड और इस तरीके की चीज़ें आपको एज इट इज एग्जाम में मैंशन करना होगा देर इज़ नो अट अल्टरिटिव वे टू दिस ठीक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिविलाइजेशंस की बात करें तो सिविलाइजेशंस डिस्टिंग्विश बाय ट्रेड्स यानी कि उनके uh, अलग अलग सिविलाइजेशन के अलग अलग ट्रेड्स होते हैं कि हो सकता है कहीं पे लाइवलीड का साधन कुछ और हो uh, कहीं पे सोशल स्टार्टिफिकेशन किसी और तरीके का हो कहीं पे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसी और तरीके का हो तो इस तरह से आप सिविलाइजेशन uh, को अलग अलग uh, Uh, मतलब कैटेगराइजेशन में डाल सकते हैं डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर सस्टेन्स तो ये तो हमने पहले भी पढ़ा दैट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिविलाइजेशन देन डिफरेंट सेटलमेंट पैटर्न्स सेटलमेंट पैटर्न्स भी होते हैं कि कौन कहाँ रहेगा सोसाइटी में क्या डिवीजन होगा या आज के डेट में भी आप देखते हैं ऐसे बहुत सारे डिवीजनस कोई एक्जिस्ट करते हैं दैन कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होगा दैट इज़ वॉट वी डिसकस्ड हियर यू कैन सी ये जो पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये पहले का है बेसिकली uh, ये इजिप्ट से अगर आप कंपेयर uh, करें कि एग्जिब फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा हुआ करता था एज एन एग्जाम्पल इफ यू हैव टू कि आप देख सकते हैं कि सोल्जर्स को थर्ड पायदान दाम पर रखा जाता था गवर्नमेंट ऑफिशियल और उसके ऊपर फेरोहा और जो आप उस टाइम के जो किंग मान सकते हैं उनको रखा जाता था और जो सबसे नीचे होते हैं देव द स्लीव ठीक है देन डिस्प्ले मोर कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ ओनरशिप कि uh, पहले जो आज से बहुत uh, सालों पहले जब इस तरह की कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती थी लोग अपने आप हाँ में कहीं भी रहते थे कुछ भी खाते थे तो उस टाइम पे उतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती थी लेकिन आज के डेट में भी आप देखेंगे कि अच्छा ये डीएलएफ की ज़मीन है अच्छा ये सरकारी ज़मीन है अच्छा ये रेलवे की ज़मीन है तो इस टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी इन टर्म्स ऑफ लैंड ओनरशिप भी, भी एग्जिस्ट करती है ठीक है देन डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग ऑफकोर्स दैट इज़ वन ऑफ़ द मेजर एलिमेंट ऑफ द सिविलाइजेशन कि उस टाइम पर किसी टाइप की राइटिंग तो शुरू हो गई हो क्योंकि ट्रेडिंग होती है पार्टर सिस्टम हो या किसी भी और तरीके का फॉर्म ऑफ एक्सचेंज सिस्टम एग्जिस्ट करता हो कुछ राइटिंग फॉर्म या किस तरीके की चीज़ तो एक्जिस्ट करती होगी दैट इज़ हाउ द सोसाइटी व फ्लोरिशिंग ठीक है तो ये भी एक सोसाइटी का सॉरी uh, सिविलाइजेशन का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है देन कल्चर और सिविलाइजेशन हमने कल्चर पढ़ लिया सिविलाइजेशन भी हमने देख लिया Uh, जो ब्रॉडर चीज़ें हैं तो अब कल्चर और सिविलाइजेशन में क्या क्या डिफरेंसेज है ये भी समझना बहुत जरूरी है बिकॉज दिस इज़ अगेन डायरेक्टली लिंक्ड टू दिस सलेबस ठीक है क्योंकि हमने जो वैल्यू एडिशन अभी तक कल्चर में बात करी थी दे वर नॉ डायरेक्टली लिंक टू द सिलेबस बट सम वॉट रिलेटेड टू इट दैट इज़ वाई वी डिस्कस्ड ऑल दोज इन डिटेल और यहाँ पे कल्चर सिविलाइजेशन के बीच के डिफरेंसेज की बात करें तो दिस इज सम वॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द सिलेबस तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिविलाइजेशन इज़ अ प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट बट कल्चर इज नॉट सी अगर आप इसको सिंपली ऐसे समझने की कोशिश करें कि आ, आप ये मान के चल सकते हैं कि अच्छा आ, ये जो पर्टिकुलर कार है ये कार साइकिल से ज़्यादा तेज़ चल रही है दैट इज़ वेरी ऑब्वियस ठीक है आप उसको ईजिली समझ सकते हैं कि ये कार इससे तो तेज़ चल रही होगी आप उसको पता कर ही सकते हैं या आप ये भी मान सकते हैं कि जो करेंसी सिस्टम है आज के डेट में वो वाटर सिस्टम से ज़्यादा इफ़िशियंट है ही है ठीक है क्योंकि बाटर सिस्टम में अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज एग्जिस्ट करती थी बाटर सिस्टम में आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर आपके पास बाटर सिस्टम आप करना चाहते हैं तो ये भी जरूरी है कि दूसरे के पास जो चीज़ अवेलेबल हो आपको उस चीज़ की ज़रूरत हो तभी तो वो बाटर सिस्टम वर्क कर पाएगा ठीक है अदरवाइज तो वो काम नहीं कर पाएगा तो इसी तरीके से आपकी सिविलाइजेशन में जो चीज़ें होती हैं उसको आप मेज़र कर सकते हैं लेकिन क्या आप कल्चर वाली जो चीज़ें हैं उसको मेज़र कर सकते हैं क्या आप ये बता सकते हैं कि जो पहले की फॉर्म ऑफ लिटरेचर थी और आज की फॉर्म ऑफ लिटरेचर है उसमें से तो सुपीरियर कौन है ये जो पहले के आर्ट फॉर्म्स थे जो भी हमें मिले हैं चाहे वो ब्रोंज uh, स्टैचूज uh, हो चाहे वो किसी प्रकार की पॉटरी हो क्या वो आज की पॉटरी से किसी भी टाइप से आप कह सकते हैं कि कौन ज़्यादा सुपीरियर है नो बिकॉज ये जो कल्चर है इसकी इंटरप्रिटेशन बहुत वेरीड होती है आपके लिए हो सकता है दैट मे नॉट बी लाइक यू नो गुड आज आपको आज की चीज़ें अच्छी लग सकती है लेकिन हो सकता है किसी और के लिए इट माइट बी लाइक वाइस सेवर्स राइट सो दैट इज़ हाउ जो कल्चर है आप उसको मेजर नहीं कर सकते बट सिविलाइजेशन की एक प्रिसाइस मेजरमेंट होती है आई होप दिस इज़ द क्लियर पॉइंट देन अगेन या ये आप देखिए ये जो फॉर्म ऑफ आर्ट है ये फॉर्म ऑफ आर्ट आपके पिकासो की है सो so, बेसिकली ये पिकासो की जो पेंटिंग है आपके लिए हो सकता है किसी को ये पेंटिंग बहुत अच्छी लगे किसी को हो सकता है कि वो सोचे यार ये इतनी महंगी पेंटिंग क्यों बना रहे हैं राइट right? तो जो कल्चर होता है उसकी इंटरप्रिटेशन बहुत डिफिकल्ट होती है देन सिविलाइजेशन इज ऑलवेज एडवांसिंग बट कल्चर नॉट सी सिविलाइजेशन जो पहले की सिविलाइजेशन थी अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करें तो हरप्पन सिविलाइजेशन हो चूंकि वो अपने टाइम की एक बहुत वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी कि अर्बन सेटलमेंट्स थे अलग अलग फॉर्म ऑफ ग्रीनरी स्टोरेज यूज़ होते थे दे हैव हाँ अ ग्रेट बाद एंड उन उन्होंने अलग अलग आर्ट फॉर्म्स को बनाया था बहुत सारी चीज़ें हमें आज मिली हैं ठीक है थीके? लेकिन जो आज की जो पर्टिकुलर प्रेजेंट है मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो उससे कई मामलों में एडवांस्ड है ऑल दो वो अपने टाइम के लिए एडवांस थी लेकिन आज की जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो उससे कई ज्यादा एडवांस है पहले उनको ट्रैवल करने के लिए कई कई दिन का समय लगाना पड़ता था बट आज के डेट में इफ यू वॉन्ट टू ट्रैवल फ्रॉम वन सिटी टू अनदर आपके लिए बहुत आसान है चीजें ठीक है सो दैट इज हाउ यू कैन से कि सिविलाइजेशन हमेशा एडवांस कर रही है बट कल्चर एडवांस कर रहा है कि नहीं दैट इज अगेन वेरियड अपॉन वेरियर इंटरप्रिटेशन आप ये नहीं कह सकते कि अजंता की पेंटिंग्स जो है, वो, uh, inferior हैं वो इन्फीरियर है इन कम्पेयर टू वॉट रविंद्रनाथ टैगोर हैज़ मेड ठीक है कि आप ये नहीं कह सकते कि मिनियचर पेंटिंग्स पहले की ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी आज की ज़्यादा अच्छी हैं तो ये बहुत सारी इंटरप्रिटेशन हैं तो इसीलिए अगैन कल्चर और सिविलाइजेशन में आप ये दूसरा डिफ्रेंस भी ले सकते हैं एंड यू हैव टू मैंशन मैकलीवर ने बोला था दैट सिविलाइजेशन नॉट ओनली मार्चिज इट मार्चिस ऑलवेज एहेड प्रोवाइडेड देर इज़ नो कैटेस्ट्राफिक ब्रेक of social continuity in the same direction. Of course, अगर आप में से किसी ने देखा हो there was a series एप्पल टी वी पर आया हुआ था C. तो C में दिखाया गया था that, uh, the society breaks and एक uh, जो प्रेजेंट सोसाइटी है उससे जो आने वाली सोसाइटी थी वो काफ़ी पीछे चली गई थी

सी uh, कल्चर जब हम बात कर रहे हैं सो so कल्चर अगर आप uh, बात कर लीजिए नॉन मटेरियल कल्चर बेसिकली बिकॉज वी आर स्टार्टिंग एंथ्रोपोलॉजी तो फोकस हमारा नॉन मटीरियल uh, पे ज़्यादा है सो नॉन मटेरियल कल्चर अगर आपको किसी को पास uh, ऑन करना हो तो डैट वुड रिक्वायर फर्स्ट ऑफ ऑल द इंटरेस्ट ऑफ़ द पर्सन हु इज़ गोइंग टू टेक इट अप ठीक है अगर आप किसी को पेंटिंग सिखाना चाहते हो तो यू जस्ट नॉट टीच द पर्सन विदाउट हिज और हर इंटरेस्ट राइट लेकिन जो सिविलाइजेशन के केस में है सिविलाइजेशन यानी कि बेसिकली अगर आप इसको ऑल एंड ऑल एडवांसमेंट या डेवलपमेंट के टर्म्स में बात करें तो वो ईजीली पास ऑन हो जाता है ठीक है आप मान के चलिए कि अगर ए चल रही है तो एक कोई पर्टिकुलर पर्सन हु हैव नॉट सीन द ए सी इन एज एंटायर लाइफ टाइम एंड ही कम टू एक्सपीरियंस द कूल ब्रीज ऑफ द ए तो उसके लिए उसको फील करने, cool करने के लिए वो कूल ब्रीज फील करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि तो उसको ये पता होना चाहिए कि अच्छा ए सी कैसे बनी है क्या है नहीं है लेकिन टू अप्रिशिएट द कल्चर टू अप्रिशिएट द पेंटिंग द पर्सन मस्ट नो द इंटीग्रिटी ठीक है तो ये डिफरेंस है दैट यू कैन सी कि कैसे सिविलाइजेशन को पास ऑन करना आसान है इन कंपेयर टू कल्चर ठीक है दोनों का जो पर्स्पेक्टिव होगा जो डिफरेंस होगा एसिमिलेशन का वो बहुत अलग होगा देन द वर्क ऑफ सिविलाइजेशन कैन बी इंप्रूव बाय एनी बडी बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ कल्चर अगेन ये भी सिमिलर टू हमारा जो लास्ट एग्जाम्पल है उसी के जैसा ही है कि जो सिविलाइजेशन uh, है यानी जो जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें हो सकता है कोई ना कोई चेंजेस ले आए लेकिन जो कल्चर है उसमें अल्ट्रेशन करना ये काफ़ी मुश्किल है ठीक है आप ये नहीं कह सकते कि रविंद्रनाथ टेगोर की पेंटिंग में अच्छा आपने कुछ एक और स्ट्रोक यू लगा देते तो काफ़ी अच्छा हो जाता यू नेवर नो ठीक है तो ये बहुत ही इंटरप्रिटेशन वाली चीज़ है एंड दैट इज़ वॉट द फोर्थ पॉइंट सेज देन द फिफ्थ पॉइंट इज सिविलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड मैकेनिकल वेल कल्चर इज़ इंटरनल एंड ऑर्गेनिक अगेन ये भी काफ़ी ट्रू है इसको भी आप डे टू डे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं देन मैक्लीवर ने बोला दैट सिविलाइजेशन इज़ वॉट वी हैव एंड कल्चर इज़ वॉट वी आर बिकॉज अगेन सिविलाइजेशन हम किस टर्म्स में देख रहे हैं मटीरियलिस्टिक चीज़ों के टर्म्स में देख रहे हैं ठीक है लेकिन हम कल्चर किस टर्म्स में देख रहे हैं मोस्टली वी आर टॉकिंग अबाउट मोर ऑफ द नॉन मटीरियल पार्ट ऑफ इट देन मैथ्यू आर्नोल्ड ने बोला था दैट कल्चर इज स्टडी ऑफ परफेक्शन एंड ऑफ द हार्मोनियस परफेक्शन जनरल परफेक्शन एंड द परफेक्शन विच कंसिस्ट इन बिकमिंग समथिंग रादर देन इन हैविंग समथिंग इन एन इनवर्ड कंडीशन ऑफ द माइंड स्प्रिट एंड नॉट ऑन द आउटवर्ड सेट ऑफ सर्कम स्टांसेस ऑफकोर्स इसका ऑल एंड ऑल समोटल ये आ, कह रहे हैं मैथ्यू ऑर्नल्ड कि आप कल्चर को तभी असेमिलेट कर सकते हैं इंटीग्रेट कर सकते हैं वेन यू वॉन्टेड टू ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको ए सी की हवा खिलाई आपने खा ली इवन दो यू नो यू डोंट वॉन्टेड टू ऐसा नहीं है ठीक है वो सिविलाइजेशन के केस में पॉसिबल हो सकता है लेकिन कल्चर के केस में किसी भी चीज़ को चाहे वो गाना हो चाहे अप्रिसिएशन ऑफ सम म्यूजिक हो या आर्ट फॉर्म हो फॉर दैट यू नीड टू एक्चुअली हैव सम इंटरेस्ट इन टू इट ठीक है अभी तक हमने कल्चर एंड सिविलाइजेशन की डिफरेंसेस की तो बात कर ली बट यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट दिस कल्चर एंड सिविलाइजेशन वल्सो इंटर मतलब दोनों एक दूसरे पर निर्भर भी करते हैं विल अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल सपोज आज से uh, आपने जब मोबाइल uh, फ़ोन्स देखे होंगे शुरुआती तौर पर पे, आपके पेरेंट्स uh, के पास या अपने भाई बहन के पास उस टाइम पर देखे होंगे तो इट वॉज अ वेरी बल्किर वन ठीक है लेकिन आज के डेट में यू सी देर आर लॉट मैनी चेंजेस बेस्ड अपॉन दी प्रजेंट दे रिक्वायरमेंट तो ये जो डिज़ाइन में चेंज हैं और उनकी बनावट में चेंज है ये क्यों किया गया है बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट और ये रिक्वायरमेंट आपके कहीं ना कहीं कल्चरली रिलेटेड है ठीक है लाइक नाउ पीपल स्टार्टेड हैविंग डिफरेंट शॉर्ट ऑफ कल्चरल एडवांसमेंट जिसके वजह से उनको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने लगी दैट सर्व लाइक वेरियस अदर पर्पजेज और उसी के हिसाब से आपकी जो डेवलपमेंट है और ये जो डेवलपमेंट हम किस चीज़ की बात करें डेवलपमेंट इज़ लाइक पार्ट ऑफ द सिविलाइजेशन मॉडर्न सिविलाइजेशन और उसने अपने आप को इस तरीके से चेंज किया है बदला है तो आप ये कह सकते हैं कि कल्चर सिविलाइजेशन बोथ लाइक को एग्जिस्ट एंड गो टुगेदर ताकि जो रियल पर्पस है वो सर्व हो सके ठीक है आप पास्ट uh, में भी देखेंगे जो उनकी अलग अलग चीज़ें होती थी लाइक द ग्रेट बाथ वॉज देयर तो वो क्या पार्ट ऑफ़ सिविलाइजेशन ही तो था लेकिन उसके कुछ कल्चरल सिग्निफिकेंस तो ज़रूर रहे होंगे दैट इज़ वाई इट वॉज़ देर जो भी हमें स्टैचूज मिले हैं पुराने उनके भी कुछ कल्चरल सिग्निफिकेंस रहे होंगे दैट इज़ वाई दैट वॉज देयर राइट और uh, उसी तरीके से आपके जो केव्स है और जो अदर चीज़ें हैं सब के पीछे कुछ ना कुछ कल्चरल सिग्निफिकेंस तो होता ही है दैट इज़ वॉट वी कैन इंटरलिंक बोथ द कल्चर एंड द सिविलाइजेशन और राइट देन ये आर ऑल्सो इन दिस चार्ड यू कैन अंडरस्टैंड की सिविलाइजेशन और कल्चर का कैसे एसिमिलेशन होता है एंड हाउ दे मेक अप द यूनिवर्सल सिविलाइजेशन ठीक है आई वोंट मे मच टाइम आउट हेयर यू कैन चेक आउट ऑन योर ओन देन uh, हम हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन क्योंकि हमने uh, जो वन पॉइंट एट कवर किया था देर ऑल्सो आई टोल्ड यू की देर आर लाइक वेरियस अदर सिविलाइजेशन दैट को एग्जिस्टेड और एग्जिट ड्यूरिंग आ पॉइंट ऑफ टाइम और उस सिविलाइजेशन के बारे में आप थोड़ा बहुत जान लेते सो दैट यू कैन इट इन अ फॉर्म ऑफ अ केस स्टडी आपसे ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि मैंशन सम ऑफ द कैरेक्टर ऑफ मैसापटामियम सिविलाइजेशन ठीक है सो हियर द पर्पज ऑफ इंक्लूडिंग ऑल दीज सिविलाइजेशन हम दो चार सिविलाइजेशन के बारे में आप ब्रीफली बात करेंगे सो दैट यू कैन इंक्लूड दिस एज अ पार्ट ऑफ द केस स्टडी वाइल राइटिंग आंसर ठीक है और आप इसको कैसे यूज़ करेंगे दैट यू विल गेट टू नो वाइल प्रैक्टिसिंग द आंसर्स राइटिंग आंसर्स सी जो मै सपोटामियन इजिप्शन सिविलाइजेशन है ये वन ऑफ द ओल्ड सिविलाइजेशन है दैट एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड बी सी ठीक है और इस टाइम पे ये कहाँ एग्जिस्ट करते थे दे व एग्जिस्टेड ड्यूरिंग मतलब अराउंड द ग्रेट रिवर्स हमने देखा था लास्ट uh, लेक्चर में भी हाउ द फर्टाइल क्रेजेंट वॉज और ये फर्टाइल क्रेसेंट के आसपास का ही आपका पूरा का पूरा एरिया है जहाँ पे दे यूज़ टू एग्जिस्ट अब वो रिवर के बगल में थे और हम बाकी सारी सिविलाइजेशन को भी देखेंगे तो वो भी रिवर के आसपास ही थे एंड दैट इज़ हाउ दे काइंड ऑफ एन इवॉल्व इन टू देन आप ये भी देखिए यूफ्रेट रिवर है एंड टिग्रस रिवर है उसके आसपास की आपकी मिसपटामियम है एंड नाइल रिवर के आसपास आपकी इजिप्शियन सिविलाइजेशन है ठीक है दैन इंडस वैली सिविलाइजेशन इसके बारे में भी तो आपने काफ़ी सारा कुछ पढ़ रखा है इंडस वैली सिविलाइजेशन भी आप जानते हैं ये भी रिवर के आसपास ही थी और ये कहाँ से कहाँ तक इसके एक्सपेंशन थे और इस टाइप के क्या क्या कल्चर सिग्निफिकेंस थे दैट यू कैन डेफिनेटली राइट ऑन योर ओन देन एजियन सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो एजियन बेसिकली आपके एजियन सी के आसपास वाला जो सारा इलाका है हम उसकी बात कर रहे हैं ठीक है थीके? तो एजेंस के आसपास आपको मिल जाएंगे ये जो ग्रीक सॉरी ग्रीस सिविलाइजेशन ग्रीस एज अ कंट्री है उसके आसपास जो भी सिविलाइजेशन थी वो आपको यहीं पे मिलेंगे ठीक है और इनके कल्चर जो ट्रेडिशन्स हुआ करते थे वो किस टाइप के थे बिकॉज ये तो आप देखेंगे हमने भी देखा रिवर के आसपास लेकिन ये पूरी तरह से जो था ग्रीस वाला इट वॉज़ काइंड ऑफ एन कोस्ट कोस्टल वन ठीक है क्योंकि वो आइलैंड्स थे और आइलैंड्स के आसपास थे तो इनकी जाहिर सी बात है उनकी भी जो और टेक्निक्स uh, होंगी जो कल्चर्स होंगे वो जो आज के कोस्टल ड्वेलर्स है उनसे काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते होंगे और वो आप बोल सकते हैं कि उनकी जो खाने पीने की चीज़ें भी होंगी दैट इज़ ऑल्सो वॉट इन्फ्लुएंसेज द कॉस्टल कल्चर तो इस वजह uh, मतलब सारी चीज़ों को मिला जुला के वो किस तरह से डिफरेंट थे उनके कल्चर को कैसे इन्फ्लुंस करती थी ये सारी चीज़ें दैट यू कैन मेन्शन ठीक है देन चाइनीज सिविलाइजेशन जो हान एम्पायर थी ये भी अगेन रिवर uh, के पास ही थी और इसका स्प्रेड काफ़ी बड़ा था और ये काफ़ी पावरफुल भी थी उस टाइम पे इन्होंने बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल uh, इन्वेंशनस uh, भी किए थे और इन्होंने एडवांसमेंट भी करी थी इन केस ऑफ और ये सारी चीज़ें भी और उसी की वजह से आप देख सकते हैं कि मतलब यू कैन काइंड ऑफ एन यू नो कोरिलेट द थिंग्स कि उस टाइम की जो तो चाइनीज सिविलाइजेशन थी कैसे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की थी सिल्क रूट के बारे में भी आप मैंशन कर सकते हैं देन हाउ दे यूज़ टू ट्रेड विथ अदर्स और उसे आप प्रेजेंट डे से किस तरह से रिलेट कर सकते हैं तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स एज हम मैंशन अर्ली और ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने की जरूरत नहीं है या कौन रूल किया करता था ये लिखने की जरूरत नहीं है बट हाँ थोड़ा सा आप कल्चर को वहाँ पर लिख सकते हैं बिकॉज वो सी कल्चर से ही तो इवॉल्व होता है उस टाइम पर जो चाइनीज़ पीपल थे देवर लाइक टेक्नोलॉजिकली एडवास्ड उन्होंने राइटिंग का इन्वेंशन किया पेपर का इन्वेंशन किया तो ये सारी चीज़ें आपको रिलेट करके कहीं कही ना कहीं लिख सकते हैं देन अमेरिकन भी आप देख ले अमेरिकन सिविलाइजेशन जो थी ये भी आपके uh, जो सेंट्रल अमेरिका और साउथ सदर्न अमेरिका एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका है ये पूरी के पूरे रिवर के आसपास बेस थी और उस टाइम पे उनका कल्चर कैसा हुआ करता था दैट यू कैन मेंशन ठीक है और अलग अलग सिविलाइजेशन थी बेसिकली इंडियन सिविलाइजेशन थी और मेजो अमेरिकन सिवलाइजेशन तो ये आप थोड़ा बहुत कहीं पे मेंशन कर सकते हैं ठीक है नाउ कमिंग टू दी मेन टॉपिक ऑफ द सिलेबस दैट इज़ एथनोसेंट्रिज्म और इसके बाद हमें कल्चरल रिलेटिविज्म पढ़ना है ठीक है सो so, एथनोसेंट्रिज्म की हम बात करें तो आप जैसे इस पिक्चर में देख सकते हैं इस पिक्चर में ये जो बीच वाला बंदा है दाइक ही इज़ द वन हु इज़ थिंकिंग कि अच्छा आई एम द बेस्ट ओनली बाकी तो दुनिया जाए खड्ढे में ठीक है मतलब ही इज़ थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ ओनली तो दिस बेसिकली समरइज़ द इंटायर कंसेप्ट ऑफ एथनोसेंट्रिज्म कि आई एम द बेस्ट वाला चीज़ लेके चलते हैं ये ठीक है और एंथ्रोपोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू में कैसे डिफाइन करते हैं इसको द ओपिनियन दैट वॉन्स ओन वे ऑफ लाइफ इज़ नेचुरल और करेक्ट वही कि आई एम द बेस्ट बाकी कुछ चीज़ें जो हैं दैट इज़ रॉन्ग

देन एग्जाम्पल ऑफ एथनोसेंट्रिज्म आपकी कॉलोनलिज्म भी है आपने देखा होगा पढ़ा होगा कि कॉलोनलिज्म uh, को कैसे जस्टिफाई uh, किया जाता था थिंकिंग दैट कि ओके इंडियंस आर द वन हु आर वेरी रस्टिक दे आर अनकल्चर्ड तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी ब्रिटिशर्स की दैट दे वर देर टू मेक द पीपल कल्चर्ड ठीक है ऐसे वो उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की थी तो दिस इज अगेन टाइप ऑफ एन एथनोसेंट्रिज्म को बहुत सुपीरियर मान के चल रहे हैं मतलब सेल्फ प्रोक्लेम्ड सुपीरियर मान के चल रहे हैं दे आर थिंकिंग अदर तो आर इन्फीरियर टू दैम ओनली तो दैट यू कैन मैंशन एज एन एग्जाम्पल और ये इथ्नोसेंट्रिज्म के भी ना अलग अलग स्टेजेस होते हैं ठीक है एक तो आप पॉजिटिव एथनोसेंट्रिज्म भी मान सकते हैं विल सी विद एन एग्जाम्पल नेगेटिव एथनोसेंट्रिज्म और एक्सट्रीम नेगेटिव एथनोसेंट्रिज्म पॉजिटिव एथनोसेंट्रिज्म का अगर हम एग्जाम्पल लेके देखें तो इन अ सोसाइटी सपोज लाइक सम पर्टिकुलर सेट ऑफ कल्चर्स एंड वैल्यू सिस्टम इज अप ठीक है तो उस केस में क्या होगा वहाँ पे uh, जो uh, ओपिनियन ऑफ डिफरेंसेस हैं वो कम होंगे और ओपिनियन ऑफ डिफरेंसेस कम होंगे तो सोसाइटी uh, में uh, शांति बनी रहेगी सो दैट इज़ द पॉजिटिव पार्ट ऑफ एथनोसेंट्रिज्म ठीक है कि वो अपने uh, कुछ वैल्यू सिस्टम को लेके चल रहे हैं और उसकी वजह से सोसाइटी में पीस uh, प्रिवेल कर रहा है देन नेगेटिव एथनोसेंट्रिज्म की हम बात करें तो नेगेटिव एथनोसेंट्रिज्म के, के केस में क्या होता है कि वो अपने आपके रेफरेंस में दूसरों को देखते हैं और जज करते हैं ठीक है इफ़ दे फील कि ओके ईटिंग नॉन वेजिटेरियन इज़ कंसिडर एज टैबू और बैड इन आवर कल्चर सो वो उसी तरीके से दूसरों को जज करेंगे ठीक है सो दैट इज़ पार्ट ऑफ द नेगेटिव एथनोसेंट्रिज्म और एक्सट्रीम नेगेटिव एथनोसेंट्रिज्म का एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा नाजी जर्मन्स में एडोल्ट हिटलर के अंदर जहाँ पे वो ज्यूज़ को उन्होंने बिल्कुल ही uh, एक अलग से इन्फीरियर क्वालिटीज से नवाजा था यू कैन से और उस टाइम पे जो हॉलोकास्ट हुआ था दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम नेगेटिव एथनोसेंट्रिज्म यानी कि जो uh, नाजी जर्मन्स थे दे कंसीडर देम सेल्स टू बी द फार फार सुपीरियर एंड देन दी जी ठीक है तो उसी के लिए ये सारा का सारा Uh, जो हॉलोकास्ट था वो किया गया था देन फिजिकल फैक्टर्स ऑफ एथनोसेंट्रिज्म सो दिस इज़ पार्ट ऑफ द वैल्यू एडिशन वन रिलेटेड टू एथनोसेंट्रिज्म कि बहुत सारे फिजिकल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो एथनोसेंट्रिज्म uh, को प्रमोट करते हैं ठीक है और ये क्या क्या हो सकते हैं आपके इमोशंस वैल्यूज़ और एक सेल्फ यानी कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं आपके इमोशन और आपके वैल्यू सिस्टम्स क्या है दीज ऑल डिफाइंस हाउ एथनोसेंट्रिक यू कैन बी ठीक है देन स्टीरियोटाइप और प्रोजेडिस जो होता है दे आर ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ द इथनोसेंट्रिज्म सो बेसिकली स्टीरियोटाइप हम कैसे करते हैं किसी चीज़ों को स्टीरियो टाइप यानी कि हम अपने चश्मे से देखते हैं चीज़ों को और हम उसी बेसिस पर जज करते हैं राइट तो देट कैन डेफिनेटली गिव राइट टू स्टीरियो टाइपिंग और जैसे कि हम ये मान के चलते हैं कि अच्छा जो लोग छोटे शहरों से आए हैं दे शुड बिहेव इन अ सर्टन वे ओनली इफ दे आर नॉट लाइक गोइंग टू पब्स दे आर नॉट स्मोकिंग दे आर नॉट वेरी कूल वंस ठीक है तो ये एक तरीके का स्टीरियोटाइपिंग होता है फॉर सर्टन काइंड ऑफ एन पीपल दैन प्रिज क्या होते हैं प्रिज प्रिजिस होते हैं जैसे कि हमने uh, कुछ एक अपने uh, जो नॉर्म्स है सोसाइटल नॉम्स है उसके बेसिस पे कुछ एक माइंड सेट ऑलरेडी फ्रेम करके रखा है और हम उसको उसी तरीके से जज करने लगेंगे ठीक अच्छा, uh, uh, तो है इफ़ यू जज कि अच्छा द पर्टिकुलर पर्सन हुज अड्रेसिंग इन दिस और दिस वे इज़ नॉट कंसीडर टू बी गुड वन ठीक है और अ पर्सन हुज़ हैविंग सच एन हैबिट इज़ नॉट कंसीडर्ड टू बी अ गुड वन तो ये हमारे जो जजमेंट्स हैं ट माइट प्रूव रॉन्ग मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक है लेकिन हम वो पहले से बना लेते हैं बेस्ड ऑन द एथनोसेंट्रिक एटीट्यूड ठीक है तो दैट यू कैन मैंशन अगर आपको रिलेशन करने के लिए पूछ लिया जाए तो न कंज्यूमर सी कंज्यूमर यू कैन रिलेट मतलब एक तरीके से आप मान सकते हैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव uh, दोनों ही एस्पेक्ट हो सकते हैं तो इसमें आप बेसिकली आप uh, जिस रीजन के होते हो जिस रीजन uh, से बिलोंग करते हो आप चाहते हो कि वहाँ की तरक्की हो ठीक है यू थिंक अबाउट दैट एंड इन दैट वे यू स्टार्ट यूजिंग द थिंग्स दैट इज बिंग मेड इन दैट एरिया ओनली अगर आप आत्मनिर्भर भारत देखिए तो दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ कंज्यूमर एथमोसेंट्रिज्मीक है देर कैन बी एन एंटायर डिबेट की वेदर this is right or whether this is wrong. क्योंकि इससे आपके ये असिमिलेशन um, रुकता है आप ग्लोबलाइजेशन uh, के टर्म में बहुत सारी चीज़ों को नहीं देख रहे हो लेकिन ऑफ कोर्स इसके अपने अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं जो कि आप लिख सकते हैं लेकिन हाँ अगर ओवरऑल आपको एक जेनरिक एग्जांपल के तौर पे मेंशन करना हो तो दैट यू कैन मैंशन ठीक है एक एग्जा सॉरी डेफिनेशन भी आपको कंज्यूमर एथनोसेंट्रिज्म की दी गई है बाई शिम्प एंड शर्मा सो दैट सेज कि द एथनोसेंट्रिक कंज्यूमर एथनोसेंट्रिज्म फोकसज ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द मोरालिटी ऑफ परचेजिंग फॉरन

दैन कमिंग टू दी लास्ट टॉपिक दैट इज़ कल्चरल रिलेटिविज़्म अब कल्चरल रिलेटिविज़्म क्या होता है सो कल्चरल रिलेटिविज़म में हमने देखा एथनो में क्या होता है आई एम द बेस्ट वाला कंसेप्ट होता है लेकिन कल्चरल रिलेटिज्म में ऐसा नहीं होता है इसके अंदर हम बोलते हैं द आइडिया दैट अ पर्सनस बिलीफ वैल्यूज एंड प्रैक्टिसज शुड बी अंडरस्टुड बेस्ड अपॉन दैट पर्सनस ओन कल्चर एंड नॉट बी जज्ड अगेंस्ट द क्राइटेरिया ऑफ अनदर यानी कि इसमें यह कहना है कि अगर कोई बंदा कुछ कर रहा है ठीक है उसके कल्चर में वो चीज़ ओके okay है सो दैट इज़ फाइन यू शुड नॉट बी जजमेंटल इन दैट केस ठीक है यानी कि इसमें आप ये नहीं मानते कि ये वाला कल्चर सुपीरियर है तो दूसरा वाला इन्फीरियर है या आप सिंपली इस बेसिस पे लेके चलते हैं कि ओके दिस इज ओके इन दैर कल्चर सो दैट इज वाई दे आर डूइंग दिस ठीक है कि जैसे आप ये मान लें कि एनिमल सेक्रीफाइस uh, किसी पर्टिकुलर uh, कम्युनिटी में किसी पर्टिकुलर रिलीजन में प्रैक्टिस किए जाते हैं तो उनके लिए दैट इज़ ओके ठीक है तो यू शुड थिंक इन दैट वे मतलब यू शूडेंट थिंक इन अनदर वे कि अच्छा ये तो गलत ही गलत है ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए उन्होंने जानवरों को मारा है ठीक है तो ये बेसिकली आपके कल्चरल रिलेटिविज़्म का कंसेप्ट कहता है मतलब ये जो राइट और रॉन्ग का जो फॉर्मूला है ये पूरी तरह से कल्चर स्पेसिफिक होता है ठीक है ना कि यूनिवर्सल इन दैट केस ठीक है और हम देखेंगे ये यूनिवर्सल ना होने की वजह से इसके क्या अपने प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं एंड द कंसेप्ट ऑफ कल्चरल एज वी यूज टूडे वॉज स्टैब्लिश्ड एज एन एनालिटिकल टूल बाय द जर्मन अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट फ्रांसिस बॉज इन द ट्वेंटी एथ सेंचुरी दैट यू शुड मैंशन ठीक है क्योंकि अगर आप uh, किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट के बारे में लिख रहे हैं तो उसके पीछे uh, जो साइंटिफिक कम्युनिटी और um, जो रिसर्चर्स या स्कॉलर्स इन्वॉल्व है यू शुड राइट द नेम अगेन यहाँ पे आप देखिए इसमें क्या हो रहा है द वन पर्सन ऑन हुन लेफ्ट इज गिविंग सम क्रिकेट्स क्रिकेट्स बेसिकली आप वो एक पतंगे को कहते हैं जो अक्सर आपको uh, रात में नज़र आता है इन अराउंड सम लाइक लैम्प्स और समथिंग ठीक है तो किसी कम्युनिटी में इसको खाना इज़ लाइक गुड इवन आप झारखंड के कुछ जगह में जाएंगे स्पेशली इन जमशेदपुर एंड सो दे यू विल सी कि वहाँ पे उनको एंडस खाना इज़ लाइक कंसीडर्ड वन ऑफ द डेलीकेसी ठीक है लेकिन फॉर यू टू कंसीडर इट्स लाइक कंप्लीटली ग्रॉस राइट वो आप मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कैसे कोई चिड़ियों को खा सकता है कैसे कोई पतंगों को खा सकता है तो आप यहाँ पे देखेंगे जो राइट हैंड साइड वाला पर्सन है ही काइंड ऑफ एन वेरी पोलाइटली डिनाइड टू इट रादर देन डूइंग ई आ ऊ राइट कि उसने बोला कि नहीं नहीं थैंक्स मुझे नहीं चाहिए ठीक है मतलब आपने उसको जज नहीं किया सिंपली पास ऑन कर दिया ताकि आगे वालों को बुरा ना लगे वो अपने आप में खुश रहे और उसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग ब्रेकफास्ट क्यूजीन्स हैं जो आ, आपके डिफरेंट पार्ट ऑफ तो द वर्ल्ड में ली जाती हैं कई जगह पे आप देखेंगे लाइक जापान में वो सुबह में स्टीम राइस खा रहा है ठीक है तो कैन यू इमेजिन हैविंग स्टीम राइस इन योर ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग एज द फर्स्ट मीड ऑफ द डे फॉर सम ऑफ यू इट माइट नॉट बी मतलब सुबह सुबह राइस खाना इट्स लाइक समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट लेकिन हमें ये उस तरीके से नहीं सोचना चाहिए हमें ये सोचना चाहिए कि ओके जपानीज़ कल्चर का ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकता है वी शुड नॉट बी जजमेंटल आंटल यू डू नॉट नो डी इंटायर स्टोरी बिहड इट ठीक है उसी तरह से अलग अलग जगहों पर आप देखेंगे कि बहुत अलग होता है ऐसा जरूरी नहीं है कि ब्रेड और बटर ही सुबह में खाते हैं ठीक है थेके? बहुत सारी चीज़ें वो खा सकते हैं तो वो 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 उनके कल्चर का पार्ट है यू शूड नॉट बी जजमेंटल टू दिस उसी तरीके से अगर कोई हाथ से खा रहा है खाना तो यू कैन नॉट से कि अच्छा वो हाथ से खाना खाता है तो दैट पर्सन इज़ वेरी अनहाइजीनिक इट इज़ पार्ट ऑफ द कल्चर दे आर ईटिंग इन दैट वे ओनली अगर कोई केले के पत्ते में खा रहा है अगेन दैट्स अ पार्ट ऑफ द कल्चर मतलब दैट्स कंप्लीटली ओके सो दैट इज़ कॉल्ड कल्चरल रिलेटिविज्म मतलब आप चीज़ों को एक लिमिट तक आ, बोल रहे हो कि हाँ ये सारी चीज़ें ठीक हैं देन अब एब्सोल्यूट कल्चरल रिलेटिविज्म की तरफ हम आते हैं एब्सोल्यूट कल्चरल रिलेटिविज़्म एक तरह से एक एक्सट्रीम स्टेप हो गया इन केस ऑफ कल्चरल रिलेटिविज़्म आपने सुना होगा फ़ीमेल जेनेटल म्यूटिलेशन के बारे में जो कि अफ्रीकन और बहुत सारी अदर कंट्रीज में लाइक इंडोनेशिया वगैरह में प्रैक्टिस की जाती है ठीक है तो ये कहने को तो इट्स पार्ट ऑफ कल्चर कल्चर ओनली बट वेदर इट इज़ जस्टिफाइड और नॉट दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन आप अगर इसको ह्यूमन राइट पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे तो ऑफकोर्स कोर्स इज नॉट रॉन्ग बिकॉज दैट द इंटायर प्रोसेस इट्स वेरी पेनफुल फॉर द पर्सन हु इज गोइंग थ्रू इट लेकिन चूँकि ये पार्ट ऑफ द कल्चर है आपने ये नहीं देखा होगा कि ऑल द ह्यूमन राइट ग्रुप्स इसके अगेंस्ट कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें बट ओपनली क्रिटिसाइज करना या उस पर सेंक्शंस लगा देना आपने देखा रशिया के ऊपर बहुत सारे सेंक्शंस लग लग गए क्रीमिया को रशिया ने हथियार लिया तो लेकिन क्या यू एस ने इजिप्ट पे या इंडोनेशिया पे फीमेल जेनेटल म्यूटलेशन को लेकर कोई सैंक्शंस लगाए हैं बिकॉज दैट इज अगेन समथिंग दैट इज़ नॉट गुड दैट इज़ नॉट करेक्ट लेकिन यहाँ पर फिर वही कल्चरल रिलेटिविज्म की बात आ जाती है ठीक है और दिस एग्जाम्पल यू कैन से एज अ फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट कल्चरल रिलेटिविज्म उसी तरीके से अगर आप देखेंगे Uh, जो स्कीमोज होते हैं स्कीमोज़ में बेसिकली दे प्रेफर टू हैव मेल चाइल्ड्स ओनली बिकॉज मेल चाइल्ड्स जो होते हैं दे आर लाइक केपेबल इनफ टू गो एंड हंट द एनिमल्स एंड डू द अदर थिंग्स क्योंकि जो बहुत हार्श क्लाइमेट होता है उस क्लाइमेटिक कंडीशन में फीमेल से ज़्यादा वो मेल को प्रेफर करते हैं ठीक है तो अगर uh, आप देखेंगे इंडिया में लाइक वी आर हैविंग द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान एंड uh, जिसके अंदर आपके इन्फेंटिसाइड फीमेल इन्फेंटिसाइड और ये सारी चीज़ें इलीगल हैं एंड एज अमूमन बींग ऑल्सो दीज थिंग्स आर इलीगल हाउ कैन यू किल समन राइट लेकिन स्कीमोस की जो कम्युनिटी है उसमें दैट इज़ कंप्लीटली ओके बिकॉज अगर एक फीमेल चाइल्ड बियर कर रही हैं एक औरत तो, तो दैट वुड डिले द प्रोसेस ऑफ बियरिंग अ मेल चाइल्ड ठीक है तो इसीलिए वो उसको मारना ज़्यादा uh, सही समझते हैं फॉर देयर ओन सस्टेनेंस सो अगेन आप इसको कैसे इंटरप्रटेट कर सकते हैं दैट डिपेंड्स अगर आप इसको कल्चर के तौर पर देखें तो यूल फील ये ओके इट्स फाइन मतलब चलेगा अगर उनके कल्चर में ये चीज़ें चलती हैं तो इट्स कम्प्लीटली ओके लेकिन अगर आप इसको ह्यूमन राइट पर्स्पेक्टिव से देखेंगे दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग एंड दैट इज वॉट लाइक यू विल सी की ट्वेंटी ट्वेंटी में जो यू पी एस सी ने क्वेश्चन पूछा था देट इज़ रिलेटेड टू दैट ओनली सो विल गो ऑन टू दैट उसके पहले हम देख लेते हैं एथनोसेंट्रिज्म और कल्चरल रिलेटिविज़म में क्या क्या डिफरेंसेज सो बेसिकली हमने पे जितनी भी चीज़ पढ़ी है ना वो यहाँ पर मैंशन है यू कैन वेरी वेल डिफ्रेंशिएट इन बिटवीन दीज टू विद एक्ज़ाम्पल्स आप एग्जाम्पल के साथ इन दोनों के डिफरेंसेज को लिख सकते हैं बिकॉज अगेन दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं ना तो उसके कॉन्ट्रास्टिंग uh, फ़ीचर्स क्या हो सकते हैं वो भी आपको जानना ज़रूरी है एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द कल्चरल रिलेटिविज़म एंड यूनिवर्सल ह्यूमन राइट जो हमने अभी भी, भी बात करी और आई गेस यू पी एस सी ने ट्वेंटी ट्वेंटी में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा हुआ ठीक है तो अगेन हमने अभी तक जितनी भी डिस्कशन करी है दैट इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू कि क्यों हम कल्चरल रिलेटिविज़म को एज़ अगेंस्ट यूनिवर्सल ह्यूमन राइट मानते हैं यूनिवर्सल ह्यूमन राइट क्या कहती है कि कुछ सर्टन स्पेसिफिक चीज़ें होती है नो मैटर वॉट कल्चर इट इज़ वो ट्रू है मतलब एक ह्यूमन राइट इज लाइक एवो ऑल द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बींग इज़ अव ऑल हमारी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहती है आर्टिकल ट्वेंटी वन राइट टू लाइफ इज़ लाइक इट हैज़ मैनी थिंग एंड इट्स अबव ऑल राइट तो इसी केस में आप uh, इस तरह से कल्चरल रिलेटिविज्म और यूनिवर्सलिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स को कम्पेयर कर सकते हैं देन बेसिकली uh, आप थोड़ा बहुत डिफाइन कर सकते हैं कि यूनिवर्सल डिक्लरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है क्या क्योंकि आप उसके बारे में बात कर रहे हैं ंग अबाउट एथिकल यूनिवर्सलिज्मिकल यूनिवर्सलिज्म क्या कहती है लाइक द ग्रेटेस्ट जो अभी हम बात कर रहे थे कि एक कुछ सर्टन चीजें होती हैं जो सोसाइटी एट लार्ज के लिए गुड होती है जरूरी नहीं है कि वो आपके कल्चर का पार्ट है या नहीं एज अ सोसाइटी एट अ लार्ज वो सही है या गलत है उस बेसिस पे डिसीजन लेना इज सम वॉट मोर एथिकल राइट और ये जो पूरा का पूरा डिबेट है दैट यू कैन सी कि कल्चरल uh, रिलेटिविज्म Uh, कैसे जो ह्यूमन राइट्स है ह्यूमन बींग uh, की जो एक सर्टन यूनिवर्सल राइट है उसको निगेट करती है और जिसमें आप एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं फीमेल जेनेटर म्यूटिलेशन का या स्कीमोज वाला एग्जांपल एंड दैट इज़ हाउ यू कैन गो थ्रू ठीक है तो ये बेसिकली उसी का जो समअप है जो अभी तक हमने जितना डिस्कस किया है एट दी एन लेट्स डिस्कस सम ऑफ द रिलेटेड टर्म टू दिस कल्चर रिलेटिव एंड एथनोसेंटरिज्म इन कल्चरे कल्चरेशन होता है एक इन कल्चरेशन बेसिकली लाइक एक बच्चा जो अपने माँ बाप से चीज़ों को सीखता है ठीक है वी डेफिनेटली परसीव द थिंग्स द वे वी आर बिंग टॉट टू सन्स चाइल्डहुड राइट तो उसको आप इन कल्चरेशन में बोल सकते हैं एंड दैन ए कल्चरेशन होता है हम किसी दूसरे कल्चर के कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट में आने से बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं ठीक है

ठीक है तो आप अपनी तरफ से भी और भी सारी चीज़ें रिसर्च करके इसमें इंक्लूड कर सकते हैं बिकॉज देर इज नथिंग एनफ फॉर स्टडिंग इन यू पी एस सी राइट सो थैंक यू सो मच आई विल कम अप विद द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सोम